हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करो बच्चे, आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। हाँ, बस एक बार कंफर्म करो बेटा, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, गुड गुड गुड, ऑडियो वीडियो क्लियर। ओके बच्चों, आज हम लोग बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी, जो सारे बच्चे के एकदम जबान पे रटा होता है। बहुत कम फार्मूले होते हैं, क्वेश्चन निश्चित रूप से आ ही जाता है बेटा। वर्क पावर और एनर्जी तीनों अलग अलग पार्ट हैं, तीनों को अलग अलग पार्ट पढ़ना है और कोशिश करना है कि हम लोगों को तीनों पार्ट कवर हो जाए। इसमें काफ़ी ऐसे फार्मूले होते हैं जो मुझे याद करना होता है, तो कोशिश सबको बच्चों को करना, और ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है, भले ही मैं भूल जाता हूँ लेकिन आप लोगों को फार्मूला याद रहता है बेटा। आप लोग अच्छा ही कर रहे हो, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी को। तो सबसे पहले वर्क को ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग एनर्जी को ख़त्म करेंगे, और लास्ट में हम लोग बेटा पावर को ख़त्म करेंगे। तो जो वर्क होता है वो तीन प्रकार से, तीन टाइप से न्यूमेरिकल बेटा इनिशियल बनते हैं। पहला वर्क डन, अगर कांस्टेंट फोर्स हो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो वर्क डन कैसे होगा, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे होगा। सारे बच्चों को पता है कि अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हमेशा इंटीग्रेट किया जाता है। और वर्क डन तीसरा क्वेश्चन एरिया कवर्ड से निकलता है बेटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसका एरिया कवर्ड ले लेते हैं बेटा, उससे वर्क डन हम लोग पा जाते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग एक एक स्टेप को देखते हैं। पहला हम लोगों का है बेटा, यस, वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, और वर्क डन बाई एरिया कवर्ड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तीनों पार्ट को हम लोगों को कवर करना है बेटा। अब देखना ये है कि कॉन्स्टेंट फोर्स में मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो यहाँ पे इस समय जुड़ा हुआ है वो वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा ना जानता हो। थीटा कौन है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो एफ डॉट एस हो जाता है, सारे बच्चों को पता है। थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। बस यहाँ पे बेटा सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम क्लास में पढ़ाया गया है, यहाँ पे आपको याद दिला देना है कि हर प्रकार का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और कोई काम यहाँ पे नहीं है बेटा, ठीक है? तो देखो, हमने बताया था, आज भी फिर बता रहे हैं बेटा, कि वर्क बराबर जब एफ एस कॉस थीटा होता है तो एक ऑब्जेक्ट पे अगर 500 फोर्स लगे हो बेटा, तो जब इसमें वर्क डन पूछा जाता है तो जिस पार्टिकुलर फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा जाए केवल उसके तरफ देखोगे। फिर से सारे बच्चे सुने जो भूल गए हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे 10 फोर्स लगे हो, एग्जामिनर किसी एक फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा जाएगा, जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा जाए केवल आप उसके तरफ देखो बेटा। जब फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो उस क्वेश्चन में, और वहां से थीटा ढूंढ लो, क्योंकि जो थीटा होता है वो वर्क और सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ होता है। जैसे थीटा पता चल गया बेटा, एफ एस कॉस थीटा रख दो और एक लाइन का आंसर आ गया। यानी हर क्वेश्चन में केवल क्या ढूंढना होता है कि जिस फोर्स के द्वारा वर्क प्रोड्यूस करना है बेटा, उसी फोर्स को कंसीडर करना है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल ढूंढ लेना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यस, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और इस ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है बेटा। और ये जब 20 न्यूटन का फोर्स लगा के 4 मीटर ऊपर ले गए हैं, तो दो क्वेश्चन बन गया, वर्क डन बाई अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब वेट होता है बेटा, तो हमें दोनों का आंसर चाहिए। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, और पार्टिकल को कहाँ लेके गए हैं बेटा, 4 मीटर के ऊंचाई पर लेके गए हैं। तो जब हम
जिस फोर्स की बात करेंगे केवल उसी की तरफ देखेंगे, दूसरे के तरफ नहीं देखेंगे। बच्चा इसको क्या करता है बेटा, ज्यादा में से कम निकालने लगता है। यहां पर ऐसा नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि मीडियम समान है। वो वहां पर करते हैं जहां डिफरेंट मीडियम हो। किसी चीज को हम बेटा किसी लिक्विड में डिप कर दें, वहां पे नेट क्या होगा, ज्यादा में से कम होगा बेटा। लेकिन अगर सेम मीडियम में होगा तो जिस फोर्स के द्वारा पूछा जाएगा उसी फोर्स को आप कंसीडर करोगे बेटा। ओ सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, गुड। यानी ये नया पिक्चर क्या बन गया बेटा, नया पिक्चर यहाँ पर आ गया। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, जमीन से बेटा कितने ऊंचाई पर, 4 मीटर के ऊंचाई पर। और अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, एफ हो गया, बराबर हो गया 20 न्यूटन हो गया। यस बिल्कुल, हमारा फोर्स भी यही है बेटा, फोर्स भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। थीटा क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो वर्क डन बाय अप्लाइंग फोर्स क्या हो गया बेटा, एफ एस कॉस 0 हो गया। बराबर हो गया बच्चे, यहाँ से बराबर यहाँ से आ गया है, ये आ गया हमारा फोर्स का मान 20 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 हो गया, बराबर हो गया 80 जूल हो गया। दूसरा वर्क डन बाई ग्रेविटी बेटा, ग्रेविटी कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ये हमारा ग्रेविटी आ गया, इसका वेट कितना होता है, mg हो गया बेटा, यही हमारा ग्रेविटी बनेगा। तो जब ग्रेविटी के कारण निकालेंगे सेकंड बेटा, यस बिल्कुल सारे बच्चों के सही आंसर, बाई ग्रेविटी निकालेंगे बेटा। तो वेट हमारा जो फोर्स होगा वो कहाँ हो जाएगा, mg हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा बेटा ऊपर हो गया, यस डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर हो गया। सारे बच्चों को याद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना याद हो बेटा। थीटा का मान हमारा क्या हो गया है, 180 हो गया। तो w बराबर क्या हो जाएगा, mg इंटू क्या हो गया, 4 हो गया माइनस 1 हो गया। मास बेटा कितना दिया हुआ है, 6 kg दिया हुआ है। तो 6 हो गया इंटू 10 हो गया इंटू 4 हो गया, किसके साथ ले लिया गया, माइनस के साथ हो गया। तो ये बन गया माइनस 240 जूल बेटा, यस वेरी गुड, माइनस 240 जूल बेटा। बच्चों माइनस 240 जूल, यस माइनस 240 जूल बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और करके दिखाएं फटाफट, या ऐसा लगे कि मैंने पढ़ाया है, सिर्फ याद आपको हम करा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और वो बेटा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 4 मीटर दूर पहुँच गया है। तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई फ्रैक्शन एंड वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, तीन क्वेश्चन आपको बताना है बेटा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बताओ, इसके बाद बाय फ्रैक्शन बताओ, बाय नॉर्मल बताओ बेटा। यस सारे बच्चे फटाफट करें बेटा, और सारे बच्चे कंफर्म कर लें। कल बेटा हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जो इसका न्यूमेरिकल सेशन होगा वो हम रोटेशन के साथ लेंगे बेटा। वर्क पावर एनर्जी में कोई कठिन क्वेश्चन बनता नहीं बेटा, इसीलिए इसके जो 2-4 क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। तो जब हम रोटेशन का क्लास लेंगे बेटा, यानी हमारा लाइव क्लास जब यूट्यूब पे रोटेशन होगा, और उसके दूसरे दिन बेटा जब हमारा न्यूमेरिकल सेशन होगा, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे कि वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड कर लेंगे बेटा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, कल हम लोगों का ऐप पे, कल संडे है और कल ऐप पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास होगा, 10:30 या 10 o'clock पे शाम को आपको मैसेज मिल जाएगा बेटा। हाँ तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ओ सारे बच्चों का आंसर आना लगा कि सर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बहुत आसान है, आंसर आ गया। अप्लाइड फोर्स हमारा ये है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, बराबर हो गया 40 न्यूटन हो गया। यही बच्चे डिस्प्लेसमेंट है, वेरी गुड, यही डिस्प्लेसमेंट है। यही मेरा केवल सिखाना एम था कि जिधर फोर्स होगा, सॉरी जिस फोर्स के कारण वर्क पूछा जाएगा केवल उसी को कंसीडर करेंगे। थीटा का मान बच्चों हो गया 0 degree, तो वर्क बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस क्या हो गया, 0 हो गया। बराबर हो गया बच्चे 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, बराबर हो गया प्लस 40 जूल, आंसर आ गया, गुड, यस वेरी गुड बेटा, 40 जूल आ गया। दूसरा है वर्क डन बाई फ्रैक्शन बेटा, वर्क डन बाई फ्रैक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्क डन बाय फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया बेटा। फ्रैक्शन हमारा कहाँ लगेगा, फ्रैक्शन हमारा अपोजिट लग रहा है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसे है बेटा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है,
और यहाँ पे ये फ्रैक्शन फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा क्या हो गया है 180 हो गया बेटा, तो W बराबर क्या हो गया है एफ आर एस कास 180 हो गया बेटा, बराबर कितना हो गया, एफ आर क्या होगा एम जी के बराबर हो जाएगा, म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा, म्यू का मान दिया है 0.1 बेटा, ये हो गया 0.1 हो गया, मास हमारा 3 है, जी का मान 10 है, बराबर हो गया 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 4 मीटर है, ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू माइनस 1। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे प्लस 12 लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा बेटा, माइनस 12 जूल, अंतिम है बच्चे बाई नॉर्मल फोर्स, बाई नॉर्मल फोर्स बेटा, यस नॉर्मल फोर्स में सारे बच्चों का आंसर सही है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल एकदम सही बच्चों, जीरो आंसर, ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया है, दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया बेटा, दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो थीटा हमारा कितना हो गया है 90 हो गया, तो वर्क डन बराबर हो गया एफ एस कॉस 90 हो गया बेटा, बराबर हो गया जीरो, बिल्कुल। सुहेल प्रजापति सर डिफेक्ट इन आई, डिफेक्ट इन आई बेटा तो एक समझ सकते हो सुहेल, सुहेल बेटा डिफेक्ट इन आई एक तरीके से बायो का पार्ट है, बस आपको डिफेक्ट हम बता देंगे कि दो टाइप का डिफेक्ट होगा, कैसे होगा बेटा, वहां पे कौन सा लेंस यूज होना है, फिजिक्स में कितना, केवल इतना है सुहेल बेटा, डिफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है आप जानते हैं, बस फिजिक्स में केवल इतना पढ़ना है कि किस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना है, और फिजिक्स में उसका कोई रोल नहीं है बेटा, सारा रोल बायो में है, और मैम लोगों ने पढ़ाया होगा, सर लोगों ने बायो में पढ़ाया होगा बेटा, ठीक है ना, हाँ ओके चले, तो बिल्कुल सही सभी बच्चों का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सारे बच्चों को सही है, एकदम याद है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, पहले 6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया बेटा, 3 मीटर ऊंचाई पर ये चला गया बेटा, तो पहला क्वेश्चन वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, दूसरा क्वेश्चन वर्क डन बाई फ्रैक्शन, तीसरा क्वेश्चन वर्क डन बाई ग्रेविटी, और फोर्थ क्वेश्चन वर्क डन बाई नॉर्मल, तो नॉर्मल से तो हमेशा क्या रहेगा बच्चे, जीरो रहेगा, 4 क्वेश्चन बन गया आपका। चलें मॉबेरिक भारत करके दिखाएं बेटा, सारे बच्चे करें, सब हो जाएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं, कल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, एक दिन के बाद हमारा वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज हो जाएगा बेटा, और एक दिन में ही हम आपको वो पीपीटी बना दे रहे हैं बेटा, जो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों के मेन फार्मूले जो हैं वो हम लिख के बेटा और आपको समझा देंगे, वो आपको याद करना होगा, हम पूरा बना देंगे, याद आपको करना होगा बेटा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जिन बच्चों का अप्लाइड फोर्स हो जाए वो वर्क डन बाय फ्रैक्शन निकालें, जिनका फ्रैक्शन हो जाए वो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालें, और जिनका ग्रेविटी हो जाए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, चारों आंसर बताएं बेटा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बेटा, अप्लाइड फोर्स यही हमारा फोर्स बन गया बेटा, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वर्क बराबर हो गया यहाँ से एफ एस कॉस जीरो हो गया बेटा, डब्लू बराबर हो गया एफ एस कॉस जीरो बच्चे, तो एफ का मान 6 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 हो गया, और ये हो गया प्लस 1 हो गया, बराबर 18 जूल, वेरी गुड। हाँ मास ले लो बेटा, गुड्स, बिल्कुल बच्चे मास छूटा हुआ है, मास ले लो बेटा, एम बराबर 2 kg, बिल्कुल बेटा मास 2 kg, हाँ मास बता दिए बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा मास छूटा हुआ था, मास इज 2 kg बेटा, मास इज 2 kg, बच्चे मास इज 2 kg, मास इज 2 kg, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, यहाँ से देखो बेटा ये हमारा यहाँ पर क्या लग जाएगा, फ्रैक्शन लग गया, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया बेटा, बिल्कुल हमने बता दिया वर्क डन बाई फ्रैक्शन, ये हो गया, वेरी गुड बेटा, फ्रैक्शन कहाँ लगा है, नीचे की तरफ लगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर हो गया, थीटा हमारा 180 हो गया, केवल इतना आर्ट सीखना है बस, हो गया बेटा।
फ्रैक्शन का हमारा मान क्या होगा? फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं भाई, म्यू एन होता है, फ्रैक्शन हमारा म्यू एन होता है, ये हो गया म्यू। और यन क्या होता है बच्चे? इंक्लाइन प्लेन पे सभी बच्चों को एकदम क्लियर होगा, एम जी कॉस थीटा होता है। तो म्यू का मान हमारा 0.1 है, मास हमारा 2 है बेटा, ये हो गया 0.1, 2 हो गया, जी का मान 10 हो गया, एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये बन गया है कॉस 30 हो गया है। सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा 2 हो गया, कॉस 30 अंडर रूट 3 बाई 2 हो गया बेटा, यहाँ से देखो ये कितना आ गया है, अंडर रूट 3 आ गया है, 1.73 आ गया है। सॉल्व किया जाएगा तो ये वर्क डन बाई फ्रैक्शन कितना हो गया है, एफ आर हो गया है, एस हो गया है, कॉस 180 हो गया बच्चों, बराबर माइनस हो गया है, फ्रैक्शन हमारा 1.73 हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर है, आंसर लगा लेना, आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ओके गुड, यस कह सकते हैं -3√3 बेटा, बिल्कुल -3√3। बाई ग्रेविटी बच्चों निकालना है, बाई ग्रेविटी तीसरा आंसर, बाई ग्रेविटी निकालना है बच्चों, ग्रेविटी कौन होगा, ग्रेविटी हमारा कौन होता है, इसका जो पुल फोर्स बनेगा एम जी साइन थीटा, बच्चे ध्यान से देखो इसका ग्रेविटी फोर्स कौन होगा, हमेशा एम जी साइन थीटा होगा, ये हमारा ग्रेविटी फोर्स होगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें, जिन बच्चों को भूल गया है वो देख लें, इंक्लाइन प्लेन पे ग्रेविटी फोर्स कौन होगा, हमेशा एम जी साइन थीटा होगा, हमेशा एम जी साइन थीटा होगा, जो नोट करने वाला पॉइंट है बेटा, बच्चा यही भूलता है, ध्यान रखना, ग्रेविटी के केस में एम जी साइन थीटा बेटा, यस। तो बाई ग्रेविटी भी सेम आंसर आएगा, बस इसका सॉरी माइनस के साइन के साथ ही आएगा, माइनस के साथ ही आएगा बच्चों, हाँ गुड। तो ये हो गया बाई ग्रेविटी, अगर हमें लाना है तो ये हो गया है एम जी साइन 30 हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा बाहर की तरफ हो गया है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, 180 हो गया भाई, 180 हो गया। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया है, एम जी साइन 30 आ गया है, ये हो गया साइन 30 हाफ हो गया है, सबकी वैल्यू रख लेते हैं, एम जी साइन 30 का मान आ गया है, एम का मान बेटा कितना है, 2 kg है, जी का मान 10 हो गया, साइन 30 हाफ हो गया, बराबर ये कट के 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 हो गया, साइन 180 माइनस 1। साइन 180 माइनस 1 बच्चों, बच्चों चेक करो मास का मान हमारा कितना है, 2 kg है बेटा, मास हमारा 2 kg है, तो ये कैंसिल हो गया है सारे बच्चे, अच्छा ये 3 है, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 है, तो ये बराबर हो गया -30 जूल बेटा, हमने 4 लिख दिया था, गुड। सारे बच्चों को एकदम 100% याद है, अब पहला केस हो चुका बेटा, सारे बच्चों को एकदम कंफर्म हो गया कि अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना है, जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा जाएगा केवल उसको देखना है, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, दोनों के बीच से थीटा देख लो बेटा, वर्क डन निकाल लो, आंसर आ गया, तो सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा, अब जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर दो बेटा, वर्क डन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल है जो बेटा प्रोजेक्ट किया गया है, जब ये टॉप पे पहुंच गया है, जब ये अपने टॉप पे पहुंच गया है, तो कह रहा है इसका वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा बेटा, ये हमारा ग्रेविटी बन गया एम जी हो गया, कह रहा वर्क डन बाई ग्रेविटी बता दो, तो क्या हो गया बेटा, ये हमारा फोर्स लगा, ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स देखो नीचे की तरफ लग रहा है, थीटा बच्चे क्या हो गया 180, इसका मतलब आंसर बेटा 2, 3, 4 तीनों नहीं हो सकते हैं, केवल फर्स्ट ही हो सकता है, क्योंकि वर्क डन का नेचर निगेटिव होगा बच्चों, तो क्या बन गया, यहां से वर्क बराबर हो गया, यही हमारा कौन बन गया, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टॉप पे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट एच हो गया माइनस वन हो गया, बराबर हो गया माइनस एम जी हो गया, यस वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड फर्स्ट ऑप्शन, एम जी और एच की वैल्यू कितना आती है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो गया बेटा, 2g के हो गया, जी से जी हमारा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट, गुड वेरी गुड।
दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो बेटा, कांस्टेंट फोर्स पे ये बन सकता है कि दो डिस्प्लेसमेंट दिया हो, सारा बच्चा बेटा पढ़ के इसको थक चुका होता है, यहाँ एम है केवल आपको दिखा देना और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना जिससे दिमाग में बैठ जाए बेटा। ये हम अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आपको नहीं आता है, सब आता है आपको बेटा, बस आप मेरे साथ जो दो घंटे का टाइम है उस टाइम में मेरे साथ चल के बेटा और उसको एकदम फिक्स कर लो अपने दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन बढ़ता है वर्क बराबर जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मेरा फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल। क्वेश्चन की औकात पता है बेटा, वेक्टर फॉर्म है, सब आई जे के में दिया होगा, आई आई वन जे जे वन के के वन डॉट होता है बेटा, दूसरे का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसमें बच्चा पेन नहीं उठाता है, देख के टिक मार देता है, आप लोग भी बेटा वही करके मुझे दिखा दो जिससे लगे कि मेरा पढ़ाना सफल है। ये मेरा फोर्स है बेटा, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस, कोई बच्चा पेन नहीं उठाएगा, जल्द से टिक मार दो बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस है, हर बच्चा टिक मार दे बेटा, हर बच्चा टिक मार दे, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, अलॉन्ग जेड एक्सिस बेटा, डायरेक्ट टिक मारना है, कोई बच्चा पेन नहीं उठाए, आंसर आंसर आंसर। आंसर, ओ बच्चों का आंसर आ गया, कहे सर ये तो एकदम ओरल है, यस गुड भाई, 5 मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस, इसका मतलब के कैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 के कैप हो गया, यस वेरी गुड आंसर हो गया, यस बिल्कुल ओरल है, 25 kg बेटा, बिल्कुल 25 जूल सॉरी, ये हो गया हमारा -10 जूल हो गया और ये हो गया +5K हो गया बेटा, डॉट हमारा हो गया 5K बराबर हो गया 5 से 5 का मल्टीप्लाई 25 जूल, गुड बेटा वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बेटा, फास्ट वर्किंग, बहुत तेजी से कर दें, पार्टिकल का पोजीशन S1 से कहाँ तक है, S2 तक है, और ये हमारा फोर्स दिया है तो वर्क डन पूछा है कितना होगा, फास्ट वर्किंग कोई बच्चा रोएगा नहीं, वर्क डन पूछा है, फोर्स का मान हो गया, हाँ मेरी कॉपी नहीं देखेगा बच्चा, अपने से करेगा हर बच्चा, हर बच्चा अपने से करेगा, मेरी कॉपी नहीं देखेगा, डॉट हो गया, 3 से 2 आ गया, आई हो गया भाई, 2J से 2J और माइनस माइनस हो गया, 3J हो गया है, -2K और -2K माइनस के बराबर 3K हो गया, आंसर इसका वर्क डन आ गया 2 हो गया भाई, और ये हो गया 3 हो गया, और ये हो गया प्लस हो गया 3 हो गया, बराबर हो गया 8 जूल। ओ सारे बच्चों का आंसर आ गया, सर ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए, देखो मैंने लगा भी दिया बेटा, बिल्कुल वेरी गुड। यस बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन ए, चलो सब याद है बच्चों को हमारे, बस उनको दिखाते जाना है और फट से वो खाते जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचना है खाने के लिए, यस वेरी गुड। दूसरे टाइप का, तो पहले टाइप का न्यूमेरिकल हो गया बेटा, फटाफट हम लोग को कवर करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, सारा बच्चा जानता है वेरिएबल शब्द आते ही इंटीग्रेशन का नाम आता है, वेरिएबल शब्द आते ही इंटीग्रेशन का नाम आता है, यानी क्वेश्चन की औकात है बेटा, फोर्स दिया होगा आई जे के यक्स के रूप में दिया हो सकता है और किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, तो X1 से X2 और बेटा औकात क्वेश्चन की दिख रही है, तो चलें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेट करना है, फट से करके दिखाएं सारे बच्चे, फोर्स की वैल्यू दिया है 10x + 2x² - 3, 1 मीटर के डिस्टेंस पे कितना डिस्प्लेसमेंट करने पर वर्क डन होगा, सारे बच्चों का फास्ट, कोई बच्चा रोएगा नहीं, फास्ट वर्किंग सारे बच्चों का, फोर्स की वैल्यू दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 मीटर, वर्क डन, मेरी कॉपी कोई बच्चा नहीं देखेगा, मैं तो बस फॉर्मेलिटी में कर रहा हूं बेटा, 0 से 1 ये हो गया FdX हो गया, बराबर यहां से आ गया है सीधा, मैं स्टेप में डायरेक्ट करूंगा बेटा, 10 आ गया है,
एक्स स्क्वायर अपान टू हो गया है, प्लस हो गया है, टू हो गया है, ये सीधा आ गया है, एक्स क्यूब अपान थ्री हो गया है, जीरो से वन हो गया है, माइनस थ्री एक्स हो गया है, जीरो से वन हो गया, बराबर ये फाइव हो गया बेटा, वन हो गया, माइनस जीरो हो गया, सीधा आ गया, टू बाई थ्री हो गया है, वन हो गया है, सीधा माइनस थ्री हो गया, बराबर फाइव हो गया है, फाइव में से थ्री गया, ये बच्चे बन गया टू हो गया, प्लस टू बाई थ्री हो गया, बराबर। देखें भाई मैंने जल्दी किया कि बच्चे, ओ मेरे बच्चे मुझसे फास्ट कर गए भाई, गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड यस वेरी गुड, मुझसे फास्ट बच्चों का कैलकुलेशन है भाई, और फास्ट कर गए, आंसर आ गया, गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया, एट बाई थ्री जूल आ गया बेटा, एट बाई थ्री जूल, एट बाई थ्री जूल, गुड। चलो बिल्कुल याद है बच्चों को, कुछ सोचना नहीं है, x पावर n बराबर होता x का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन हो गया बेटा, गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बेटा हो सकता आपको पढ़ने में दिक्कत करे, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, कह रहा एक ब्लॉक है, बच्चों ध्यान रखना ये दो मीडियम की बात कर रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 केजी है, इसको बॉटम से कहाँ तक लेके गए हैं, 3 मीटर की ऊंचाई तक लेके गए हैं, विदाउट चेंज इन कैनेटिक एनर्जी, यानी स्पीड नहीं बदला है बेटा, कह रहा डेंसिटी ब्लॉक का अगर 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो वर्क डन कितना होगा। ध्यान रखना बेटा, हम इसको डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं, पानी के अंदर ब्लॉक है और उसको बच्चों डिस्प्लेस करके ऊपर ले जा रहे हैं 3 मीटर, और जब पानी में उसको डिस्प्लेस करेंगे बच्चों तो बॉयनेंसी फोर्स लगेगा, इसका मतलब दिमाग लगाओ बच्चों, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा तो पक्का जीरो होगा बेटा, अब तुम्हें नेट फोर्स निकालना है, क्योंकि ऊपर जा रहा है बेटा तो नेट फोर्स तुमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे दो फोर्स लगेगा बच्चों, एक ब्लॉक का वेट mg लगेगा और एक बॉयनेंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो निश्चित है नेट बराबर कौन होगा, बॉयनेंसी फोर्स माइनस हो गया वेट mg हो गया बेटा, बॉयनेंसी फोर्स माइनस वेट mg, क्योंकि बेटा जब इसको पानी के ऊपर ले जा रहे हैं, पानी के अंदर से पानी में ऊंचाई पर ले जा रहे हैं बॉटम से, तो ऊपर की तरफ बॉयनेंसी फोर्स, नीचे उसका वेट लगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बॉयनेंसी फोर्स माइनस क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो करके दिखाएं बच्चे। ओ शिवांगी श्रीवास्तव का आंसर आया, अच्छा काफी बच्चों का आ गया, वेरी गुड, मेरे सब बच्चे एटीएम मशीन है, यस वेरी गुड। बस कहते हैं सुधीर सर आप कहीं क्वेश्चन ढूंढ के लाओ, कहाँ से लाओगे, कहाँ से आप क्वेश्चन लाओगे, कुछ भी लेके आओ मैं खा जाऊंगा। बेट हमारा mg हो गया, ये बॉयनेंसी फोर्स हो गया बेटा, बॉयनेंसी फोर्स हो गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट इसका, बॉयनेंसी फोर्स ऊपर। तो नेट फोर्स बच्चों क्या हो गया, चेक कर लेते हैं भाई, नेट फोर्स ज़्यादा में से कम हो गया बेटा, बॉयनेंसी फोर्स हमको पता है बेटा, अभी जल्दी पढ़ा गया था, बी रो जी माइनस हो गया बी सिग्मा जी, रो किसकी डेंसिटी है बेटा, रो हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड का है, ध्यान रखें सिंबल याद होगा बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ध्यान से देखें डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब दोनों को जब कॉमन ले लेंगे तो बी जी कॉमन हो गया बेटा, रो माइनस सिग्मा हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है बेटा, तो ये हो गया मास अपॉन डेंसिटी किसका, सॉलिड का, जी का मान 10 हो गया, रो का मान दिया हुआ है बेटा, रो बराबर 3000 है, पानी का डेंसिटी बच्चों एमकेएस में 1000 होता है, बोल बोल के थक गए हैं, बराबर इसकी वैल्यू रखोगे बच्चों तो ये 3 आ गया है, मास सॉरी 5 दिया है, इसका रो दिया है 3000 दिया है, ये 10 हो गया, और ये बच्चों 2000 आ गया, जीरो से जीरो सब कैंसिल हो गया, सीधा ये आ गया बेटा 100 अपॉन 3 आ गया बेटा, 100 अपॉन 3, ये हमारा एफ नेट आ गया बच्चों, बराबर 100 अपॉन 3, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 हो गया बच्चों, एफ का मान आ गया है नेट फोर्स 100 अपॉन 3 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा बच्चों 3 है, कैंसिल हो गया, ओ सारे बच्चों का एकदम करेक्ट, यस। चलो
मन खुश हो गया, सारे बच्चों का एकदम मस्त बेटा, क्लियर, बिल्कुल एकदम सही है बच्चों, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, एकदम सही, और आंसर आ गया बेटा 100 जूल, गुड बेटा। चल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा एरिया कवर्ड, वर्क डन बाई एरिया कवर्ड। तो सारे बच्चों को बेटा ठूस ठूस के दिमाग में एकदम बैठा दिए हैं कि ग्राफ केवल दो ही बन सकता है, रिजल्ट अगर मल्टीप्लाई से आएगा तो एरिया का बल्ड आएगा, रिजल्ट अगर रेशियो से आता है बेटा तो स्लोप हो जाता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, एंड थीटा ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस होता है बच्चों। तो सारे बच्चों को ठूस ठूस के एकदम बैठा दिए बेटा, कोई बच्चा कहीं से हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो अब देख बेटा जल्दी से सारे बच्चे, और मैंने ये भी बता दिया, ठूस ठूस के मार मार के मैंने एकदम बेटा पिंच करके बैठा दिया, पूरे फिजिक्स में केवल दो बंदर हैं, एक डिस्टेंस और स्पीड। अगर ओरिजिन के नीचे ग्राफ है और डिस्टेंस और स्पीड लाना है तो चाहे ओरिजिन के नीचे हो चाहे ऊपर हो, हमेशा प्लस लिखा जाता है। इसके अलावा पूरे फिजिक्स में कोई भी बंदर हो बेटा, अगर ओरिजिन के नीचे है तो उसका कैसा होगा, माइनस होगा बच्चों। चलो जल्दी से करके दिखाओ बच्चे। आओनी बेटा सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, आओनी बेटा सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, आओनी बेटा सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ सिग्मा बेटा, आओनी एग्जाम आने वाला है बेटा, सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर है, एमकेएस में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, आओनी बहुत बार पढ़ाया गया है बेटा। हाँ यस, सारे बच्चों का आंसर आ गया भाई, सब बच्चे कह रहे हैं सर इसमें क्या है, हो गया एरिया, हो गया ये भाई ट्रेंगल, हो गया ये हमारा रेक्टेंगल, हो गया ये हमारा रेक्टेंगल, हो गया तो इसका वर्क डन का एरिया कवर्ड आ गया बच्चे। वर्क बराबर क्या आ गया है, एरिया किसका, ए वन हो गया प्लस आर वन हो गया माइनस आर टू हो गया। सारे बच्चे कह रहे हैं सर कुछ आप साल्व ना करिए, बस 10 जूल लिख दीजिए। चलो भाई मैंने सॉल्व कर दिया, अवनी बेटा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर ले बेटा, बहुत पढ़ाया गया है, 10 जूल मैंने टिक लगा दिया भाई कि इसका आंसर कितना होगा बच्चे, 10 जूल। सारे बच्चे बोले ओ, एक बच्चा कह रहा है 20 जूल, खतरा खतरा खतरा, अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सुधीर सर आप बच नहीं सकते हो, सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं भाई, कुछ बच्चों का 10 कुछ बच्चों का 20, तो ये बन गया बेटा हाफ हो गया। जल्दी से मैं चेक कर लूँ, 2 माइनस 0 हाइट हो गया हमारा 10, प्लस हो गया बेटा रेक्टेंगल हो गया, ये 2 हो गया ये 10 हो गया, माइनस हो गया बच्चे 6 से 4 2 हो गया और ये बन गया 10 हो गया, बिल्कुल 20 से 20 कैंसिल हो गया, बराबर 10 जूल। जिन बच्चों का 10 आया है उनका एकदम सही, गुड। हाँ भाई चलो सुधीर सर बचे नहीं भाई, सॉल्व करना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चों का आ गया था। चलें जल्दी से इस क्वेश्चन को खा जाओ बच्चों, बड़ा दादागिरी कर रहा है भाई, इस क्वेश्चन को खा जाओ बच्चे सभी, यस गुड, जल्दी से खा जाओ भाई। हाँ हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, कभी कभी बच्चा है गलती कर जाता है, बच्चा है भाई। जल्दी से इसको करके दिखाओ भाई, बच्चा है, एक्स बराबर 125 मीटर तक पूछा गया है। जूम कर दिए किशन बेटा, क्वेश्चन जूम कर दिए किशन, क्वेश्चन जूम कर दिए बेटा। लो निहारका की एक शिकायत, सर आज आपका लास्ट डाउट नहीं बता रहे हैं, बता देंगे भाई निहारिका, बता देंगे बेटा, हाँ निहारिका बता देंगे बेटा। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 20 जूल, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई 20 जूल,
जरा हम भी देख लें भाई, 20 जूल है क्या? अब कुछ बच्चों का भाई 20 जूल नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का 20 जूल नहीं आ रहा है। तो एक यहाँ पे ट्रेंगल बना है T1, एक यहाँ पे, एक सीधा यहाँ पे रेक्टेंगल बना है R1, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना है R1, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना है R2, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना है R3 और एक ट्रेंगल बना है T2। तो क्या हो गया बेटा, सीधा हो गया, वर्क बराबर एरिया हो गया। एरिया किसका हो गया, T1 हो गया प्लस R1 हो गया प्लस R2 हो गया, माइनस हो गया R3 हो गया बेटा, माइनस R3 हो गया, प्लस हो गया T2 हो गया, बराबर हो गया हाफ हो गया, 1 हो गया, हाइट इसका 10 हो गया, प्लस रेक्टेंगल है 1 हो गया, और ये बच्चे बन गया है 10 हो गया है, प्लस R2 हो गया, R2 का मान 1 हो गया है। देखना पड़ रहा है भाई कहीं से गलत ना हो जाए, नहीं तो अभी बच्चे कहेंगे सुधीर सर कैलकुलेशन गलत। 1 हो गया, 5 हो गया, और ये बन गया बेटा हाफ हो गया, बेस 1 हो गया, हाइट हमारा 10 हो गया। ओ चेक करते हैं भाई फटाफट, तो ये बन गया है, ये हमारा आ गया है, हाँ ये हमारा आया बेटा 5 और -5 कैंसिल हो गया है, यहाँ से कट के ये 2 से 5 कैंसिल हो गया, 5 हो गया, प्लस हो गया 10 हो गया है, 2 से कट के 5 हो गया, प्लस हो गया 5, बराबर बच्चों 20 जूल, डी ऑप्शन। हाँ चश्मा लगाने के बाद, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, 1 मीटर से पूछा है बच्चों, बच्चों 1 मीटर से, 1 से 15, 0 से नहीं पूछा है। इसका मतलब बेटा ट्रेंगल ये हट जाएगा, बिल्कुल बच्चों T1 हमने भी ध्यान नहीं दिया बेटा, आदत हो गई 0 से पढ़ने का। 1 मीटर से 5 मीटर, 1 मीटर टू 5 मीटर बेटा, इसका मतलब ये 5 कैंसिल हो जाएगा। यस भाई, 15 वालों का आंसर सही है बेटा, 15 वालों का बेटा, 1 मीटर से पूछा गया है, 1 से 5, यस 1 टू 5 बच्चों पूछा गया है, 1 टू 5। वन टू फाइव पूछा गया है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, 15 15 15, 1 टू 5 पूछा गया बेटा। नेक्स्ट केस देखो बेटा, अब हम लोगों का स्प्रिंग का केस होगा, जो सारे बच्चों को एकदम पता है कि वर्क डन इन केस ऑफ स्प्रिंग। आज मैंने स्प्रिंग का कुछ अच्छा केस लिया है, आप देखें बेटा, कट का केस तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वर्क डन इन केस ऑफ स्प्रिंग, और वही जो वर्क डन होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन में बेटा, वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और इसमें 2 फार्मूले होते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन बाई स्प्रिंग पूछा जा सकता है, स्प्रिंग का मतलब अप्लाइड फोर्स, सॉरी, और दूसरा बेटा पूछा जा, सॉरी, वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग कौन लगाता है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। ध्यान से देखें, क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग, या इसी का नाम होगा वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। तो सारे बच्चों को पता है रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट अप्लाई कर किया जाता है बेटा। तो ध्यान से देखें, सब बच्चों को एकदम पता है, बस हम लोग को सिस्टम पे चलना है, ये फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड किया गया, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स होगा बेटा, तो वर्क का नेचर बच्चे पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाई स्प्रिंग या रेस्टोरिंग फोर्स पूछा जाएगा, तो वर्क का नेचर बच्चे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जो वर्क या एनर्जी स्टोर होता है, सारे बच्चों को पता है बेटा कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, अगर बाई अप्लाइड फोर्स होगा तो प्लस हो जाएगा, और बाई रेस्टोरिंग फोर्स होगा बेटा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एकदम बच्चों का मस्त क्लियर है, तो बस यहां देखते चलो बेटा फटाफट, वर्क डन बाई स्प्रिंग या रेस्टोरिंग फोर्स बेटा,
ये एक्सटेंशन है, ये रेस्टोरिंग फोर्स है, थीटा 180 हो गया। तो वर्क डन या रेस्टोरिंग एनर्जी स्टोर क्या होगा बेटा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी सब बच्चों को पता है। W बराबर एफ एक्स होता है, W बराबर एफ डी एक्स होता है, F का मान के एक्स होता है, जो रेस्टोरिंग फोर्स बनता है बेटा। तो कैसे आता है ये मैंने लिख दिया है, इसी को इंटीग्रेट कर दिया गया है और ये आंसर आ गया बेटा। अगर क्वेश्चन लिमिट में दिया है तो यहीं से लिमिट को आप लगा लोगे बेटा। जब भी क्वेश्चन लिमिट में दिया होगा तो हमेशा इसका यूज करना बच्चे, ये वाला इक्वेशन यूज करना। और ध्यान रखना अगर एक ही एक्सटेंशन है तो डायरेक्ट ये आप यूज कर लेना बेटा, लेकिन अगर 2 मीटर से 4 मीटर, 4 मीटर से 10 मीटर बेटा, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा के बेटा इंटीग्रेट करना, यानी यही एक्स स्क्वायर को 0 से यानी x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देना। सब बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, आंसर सबको करना आता है बेटा। क्लियर बच्चों? यस। दूसरा, अगर वर्क डन या एनर्जी स्टोर बाय अप्लाइड फोर्स बच्चों लेना है तो अप्लाइड फोर्स यही है, एक्सटेंशन यही है, थीटा का मान 0 होगा, तो वर्क डन हमारा प्लस के एक्स स्क्वायर होगा बेटा हाफ। और कैसे किया जाता है, के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट किया जाता है। तो बस केवल बच्चा यही गलती करता है। स्प्रिंग के केस में कुछ भी टीचर पूछे, कुछ भी एग्जामिनर पूछे, बच्चा आँख बंद रखता है, सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ता है। बच्चे स्प्रिंग के केस में आंखें खोल लिया करना बेटा, क्योंकि आप वर्क चैप्टर पढ़ रहे हो। ये ध्यान देना कि वर्क डन किसके कारण पूछा गया है, बाय स्प्रिंग पूछा गया है या बाय अप्लाइड फोर्स। मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन बेटा पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा, तो सावधान रहना इससे बेटा। गुड, तो बिल्कुल याद होगा सारे बच्चों को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा बेटा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जो हमको पता है। अब देखो बहुत अच्छा केस है स्प्रिंग के केस में। देखो स्प्रिंग के केस में बेटा, एक मेरे पास स्प्रिंग है, ध्यान से देखें, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे एक शाम का समय है और नाश्ते का डिब्बा बांधा हुआ है। कोई बच्चा लालच नहीं करेगा, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इस पे एक ब्लॉक बांध दिया गया है। क्वेश्चन ये है बेटा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितना ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम कितना एक्सटेंड हो सकता है, और बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन के ड्यूरेशन में इसका स्पीड क्या हो सकता है। बच्चों 3 क्वेश्चन जिसमें बच्चा बहुत परेशान रहता है। पहला क्वेश्चन, जब स्प्रिंग से नाश्ते का डिब्बा बांधते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा, स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे, मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन पे ब्लॉक का स्पीड क्या होगा बेटा। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं। तो चलें, हाँ लंच का बेटा अब इस समय नाश्ते का समय है, तो नाश्ते का नाम लेना तो आप समझ सकते हो खतरे से खाली है। हाँ बच्चा ही है भाई, भूख लग जाता है। हाँ बच्चा ही है, नाश्ते का अगर सुधीर सर नाम लेंगे तो दिक्कत तो हो ही जाएगी बेटा। तो पहला है इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन आपको बताना है कितना होगा बेटा। तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन कितना हो जाएगा अपने वेट के कारण बेटा, ध्यान से देखें, इसका जो वेट होगा अपने नॉर्मल वेट के कारण ये स्प्रिंग को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिगर नहीं बना रहे हैं बेटा, कितना हो जाएगा mg बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स को फोर्स से इक्वेट कर देंगे, ये बन जाएगा kx हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा mg अपॉन k। ये इक्विलिब्रियम का नॉर्मल कंडीशन का बेटा एक्सटेंशन है, जब इसको हम नॉर्मली नाश्ते के डिब्बे को स्प्रिंग से बहुत ऐसे हल्के से ले जाके केवल धीरे से हैंग कर देते हैं तो नाश्ता जितना भारी होगा स्प्रिंग को उतना ही क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा बेटा। तो ये नॉर्मल कंडीशन पे mg बराबर kx हो जाएगा। सबको पता है, कुछ ज़्यादा कहानी हम लोग नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होगा, kx होगा, यानी x स्टैंड हो जाएगा बेटा। यस गुड। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा बेटा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, बार बार स्प्रिंग में पूछा जाता है, कई बच्चे मुझसे एक डाउट में भी पूछे हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। इसका ट्रिक देख लो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान रखना, वर्क पढ़ रहे हो, वर्क को वर्क से इक्वेट कर दो, वर्क को वर्क से इक्वेट कर दो बेटा।
जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिक्रीज होगा, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा बेटा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बेटा। तो इसका ट्रिक है, पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ेगा बेटा। तो देखो ये क्या होगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा बेटा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg, और मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैंने एक्सटेंशन को क्या ले लिया बेटा, x मैक्स ले लिया, ध्यान दें x मैक्स मैंने ले लिया। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि एक्सटेंशन होने पर कितना होता है, हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर हो गया बेटा। सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मैक्स से एक्स मैक्स हमारा कट गया बेटा, एक बचा हुआ है, ये आ गया 2mg अपॉन के हो गया, और एक ये हो जाएगा किस में, अंडर रूट में हो जाएगा, दैट इज एक्स मैक्स हो गया। देख ले बेटा, डिक्रीज जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही बेटा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एकदम क्लियर बेटा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बेटा। मैक्सिमम है तो x के सिंपल स्थान पे हम लोग x मैक्स पढ़ लिए बेटा, क्लियर है, ओके। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी बेटा, एक x कट गया, सॉरी, वो दिमाग में x स्क्वायर है, बिल्कुल x मैक्स बराबर आ गया बेटा 2mg अपॉन k, ये एक्स स्क्वायर यहां कट गया ना बेटा, तो यक्स से यक्स केवल बचेगा, तो ये आ जाएगा 2mg अपॉन के, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 2mg अपॉन के बेटा, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन उसका होगा बेटा तो आखिर कितना स्पीड होगा उसका, ये भी बहुत पूछा जाता है, कितना मैक्सिमम स्पीड होगा। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज होता है उतना इंक्रीज इन स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ध्यान से देखें, ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज और स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज का सम बराबर होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत पूछा जाता है बेटा, इसको ध्यान रखना, ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड बेटा जब हमारा होगा, जब यक्स की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, मैंने लिख दिया है कि आपको लिखना ना पड़े, हमें ना जिससे टाइम खराब ना हो। पोटेंशियल एनर्जी जितना घटेगा बेटा, एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट कर दो, लेफ्ट और राइट का यूनिट बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज में जितना बढ़ेगा प्लस बेटा ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ये हो गया एम जी एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना, नॉर्मल एक्स बराबर एम जी अपान के यहां पुट कर दो, सब जगह बेटा x का मान पुट कर दो, ये वाला x यहाँ पुट कर दो, x का मान यहाँ पुट कर दो, x का मान बच्चे यहाँ पे पुट कर दो, सब जगह x की वैल्यू पुट कर दो बेटा, और b max का मान निकाल लो, सारे बच्चे वैल्यू पुट करें और b max का मान बोलें, इस x का मान यहाँ पुट करें, इस x का मान यहाँ पुट करें बेटा, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बताएं, सारे बच्चे सॉल्व करें। x की बच्चों यहां पे वैल्यू रखो mg अपॉन के, यहां भी mg अपॉन के, और सॉल्व करके b max बताएं बेटा, b max का मान बताएं, सारे बच्चे सॉल्व करें। mg x मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, ये हो गया, इसके स्थान पे पुट करना है बेटा, x के स्थान पे mg अपॉन के पुट करना है, तो ये बन गया हमारा mg अपॉन के हो गया है, बराबर हो गया है, ये बन गया हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, हाफ के हो गया, एक्स के स्थान पे आ गया एम जी अपॉन के का होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया हाफ एम बी मैक्स का होल स्क्वायर। ओ सब बच्चों का आ गया है, हाँ बच्चों का आंसर आने लगा है, यहाँ से आ गया बेटा एम जी स्क्वायर हमारा कामन हो गया है, एम जी स्क्वायर हमारा कामन हो गया है, तो ये हो गया एम जी, के से एक के कैंसिल हो गया है, एक के से के कैंसिल हो गया है, तो एम जी और एम जी का एम जी स्क्वायर हो गया बेटा, एम जी स्क्वायर अपान के कामन हो गया, वन माइनस वन बाई टू हो गया, इधर ले आओ
बराबर बेटा हाफ एम हो गया बी मैक्स का होल स्क्वायर, चेक कर लेना, टू हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये सीधा यहाँ से आ गया बेटा जी स्क्वायर अपॉन के आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर अपॉन के बराबर यहाँ से बच्चे आ गया है, ये आ गया है एम से एम हमारा, हाँ एम स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया है, एक एम बचा रह गया बेटा, एक एम बचा रह गया है, तो एम अपॉन के इंटू जी स्क्वायर हो गया है और बराबर हो गया ये बेटा बी मैक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बी मैक्स कितना हो जाएगा, जी बाहर हो गया अंडर रूट एम अपॉन के। बच्चों इतना ही आ रहा है, बच्चों इतना आ रहा है, जी बाहर अंडर रूट एम बाई के। बच्चों एक बार चेक कर लो, ये एम जी स्क्वायर हो गया, एम जी स्क्वायर यहां भी एम जी स्क्वायर हो गया बेटा, ये के स्क्वायर है, के से के कट गया तो एम जी स्क्वायर अपान के, यहाँ भी एम जी स्क्वायर अपान के कामन ले लिया गया, ये इधर आ गया तो वन माइनस हाफ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया तो टू माइनस हाफ यानी वन बाई टू कट गया, ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया, एक एम से एक एम कट गया बेटा, तो यहाँ पे एम जी स्क्वायर अपान के आ गया, बराबर हो गया बी मैक्स का स्क्वायर, तो बी मैक्स कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर है तो बाहर हो गया और अंडर रूट एम बाई के। बच्चे एकदम क्लियर है, ओके गुड, यस यस गुड, चलो सही है बच्चों एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी से इसको कर दें, यही अभी जस्ट हुआ है बेटा। मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा गया है, मैक्सिमम एलोंगेशन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा बेटा इंक्रीज इन स्प्रिंग एनर्जी बेटा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है, पिक्चर हम यहाँ बना दे रहे हैं बेटा, पिक्चर यहाँ बना दे रहे हैं, ये बना हुआ है, ये स्प्रिंग है बेटा, यहाँ पर ये ब्लॉक बना हुआ है, ध्यान से देखें, यहाँ से आ गया है ये ब्लॉक का मास m है, जस्ट अभी सेकेंड केस है बेटा, यही सेकेंड केस है, हाँ हाँ बस वन मिनट बेटा, हाँ बस बेटा एक सेकंड, जरा सा ये कुछ इसमें सिस्टम में दिक्कत आ रही है, हाँ सॉरी बेटा, चलो देखो, यस गुड, ये हो गया हमारा बेटा, कितना बनेगा ये हमारा आ जाएगा एम जी साइन थीटा हो गया, तो क्या होगा जितना इसका एक्सटेंशन होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जितना डिक्रीज होगा, जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होगा, इंक्रीज कितना होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन क्या हो जाएगा स्प्रिंग, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो गया, और ये बेटा बन गया है एक्स हो गया,
बराबर हो गया हाफ के हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, सीधा 2mg साइन थीटा अपान के। गुड, क्लियर बच्चे? यस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और करके दिखाएं बेटा। एक मॉस है जो 0.5 केजी का है, 1.5 मीटर पर सेकंड से बेटा मूव कर रहा है और किसी वेटलेस स्प्रिंग से कोलाइड कर रहा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है। कह रहा मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो बेटा कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। यह भी दूसरा क्वेश्चन है। वहां पे बेटा अभी जो पढ़ा गया है उस पर कौन है, उस पे बेटा इंक्लाइन प्लेन पे है और यहाँ पे हॉरिजेंटल पर है एक स्प्रिंग है जिसमें बेटा कहीं दीवार पे बंधा हुआ है, एक ब्लॉक है जो ऐसे दौड़ा जा रहा है, स्प्रिंग से टकराया है, तो स्प्रिंग को कितना बेटा कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर देगा बेटा। हाँ, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर देंगे बेटा। हाँ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये वाला थोड़ा सा है, आज थोड़ा सा जल्दी में पीपीटी ये बन पाई थी तो थोड़ा ये साफ नहीं हो पाया है। हाँ यही क्वेश्चन है कि ये हमारा स्प्रिंग है बेटा, ये हमारा स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है और ब्लॉक देखो बी वेलोसिटी से जा रहा है और कह रहा है कि कितना इसमें कंप्रेशन होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एम बी स्क्वायर अपॉन के हो गया बेटा। जस्ट अभी पढ़ा गया है, ये सीधा आ गया है, बी स्क्वायर हो गया है तो ये बन गया है 2.25 हो गया है, मास हमारा 0.5 है, के का मान बेटा हो गया है 50। सॉल्व कर लेना जो आंसर आया, आंसर आ गया। गुड, चले दूसरा क्वेश्चन देखें। एक स्प्रिंग है, आप दिखेगा आराम से बेटा आपको, एक स्प्रिंग है। एक तो बेटा इस समय लाइट की इतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, शायद आपके भी सिटी में प्रॉब्लम हो, लाइट काफ़ी दिक्कत हो रही है और बहुत कटौती चल रही है, शायद आपके यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सिटी में। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जब उसको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया जा रहा है तो उसमें एनर्जी स्टोर कैपिटल यू है, और दोबारा 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया जा रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, पहले u बराबर क्या होगा बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया तो 1/2 हो गया, 1 का स्क्वायर बराबर हो गया k/2, ये इक्वेशन 1 हो गया। दोबारा एक्सटेंशन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर पहले से था, 3 और हो गया बेटा तो 4 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से u1 बराबर क्या हो गया, हाफ के, ये हो गया x1 स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ के हो गया बेटा x1 स्क्वायर हो गया, तो 1 हो गया x1 स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 हो गया। यहाँ से k/2 बराबर शिफ्ट कर दो बेटा तो कितना आ गया है, 16 u के आ गया है। अच्छा अब चेंज पूछ रहा है, तो u1 बराबर 16 u आ गया, तो चेंज कितना होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 माइनस u बराबर हो गया 16 u माइनस u बराबर हो गया 15 u बेटा। तो ऑप्शन हमारा डी, फोर्थ ऑप्शन। गुड, चलो जल्दी जल्दी देखते चलो, सभी बच्चों को कनेटिक एनर्जी का फार्मूला बिल्कुल पता होगा। कनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम बी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा बेटा एम जी एच होता है, सारे बच्चों को एकदम पता होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से एक रिलेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का,
सभी बच्चों के एकदम जबान पे होता है, पी बराबर अंडर रूट 2 KM होता है। ये पूरा बेटा इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन पॉपुलर है कि कनेटिक एनर्जी या मोमेंटम में बेटा परसेंटेज दिया होता है इंक्रीज या डिक्रीज का, और किसी दूसरे में बेटा पूछा जाता है। तो क्या होता रिलेशन, पी बराबर अंडर रूट 2 KM होता है, सारे बच्चों के जबान पे होता है। तो चलें जल्दी से इसका हम लोगों को न्यूमेरिकल्स देखना है, देखें जल्दी जल्दी करके दिखाएं। अगर कनेटिक एनर्जी को 200% बेटा इंक्रीज कर दिया जाए तो परसेंटेज चेंज लीनियर मोमेंटम में कितना होता है होगा, सारे बच्चे फास्ट करें। अगर कनेटिक एनर्जी 200% इंक्रीज होगा तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, फटाफट करें बेटा, काफी पढ़ना है और सबको खत्म भी करना चीजों को। सारे बच्चे अपने मन से करेंगे, मेरी कॉपी नहीं देखेंगे। सीधा ये हो गया एक लाइन का आंसर बेटा, पी बराबर हो गया अंडर रूट 2 KM हो गया, अंडर रूट 2 KM हो गया। यहां से देखें पी बराबर अंडर रूट 2 KM हो गया। यहां से अगर हमें देखना है परसेंटेज चेंज, हमें लाना है परसेंटेज चेंज किस में लाना है, इन मोमेंटम में लाना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है बेटा, आपको बताया गया होगा कितना होता है, फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस वन होता है। तो ये बनेगा P2/P1 - 1 इंटू क्या होता है 100, सारे बच्चों को एकदम जबान पे होगा, P2/P1 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से पी प्रोपोर्शनल अंडर रूट के हो गया, ये बन गया बेटा P2/P1 बराबर हो गया अंडर रूट K2/K1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। और K2 कितना दिया हुआ है, K1 + K1 का 200% बेटा 500 बराबर ये हो गया 3K1 हो गया। यहाँ से K2/K1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। जब K2/K1 का मान 3 आ गया तो यहाँ से जब पुट करोगे बेटा तो P2/P1 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया, बराबर हो गया बेटा अंडर रूट 3 का मतलब हो गया 1.73 माइनस 1 हो गया, इनटू हो गया 100% बराबर हो गया 73%। यस वेरी गुड, सारे बच्चों का एकदम लाइन से सही, गुड 73%, गुड बेटा एकदम सही, कोई डाउट नहीं 73% बेटा गुड, सभी बच्चों का एकदम लाइन से सही है 73%। दूसरा क्वेश्चन बेटा, अगर मोमेंटम को हम 100% बढ़ा देते हैं तो परसेंटेज चेंज इन कनेटिक एनर्जी कितना, फास्ट वर्किंग बेटा एकदम फास्ट, पी प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट के हो गया, सारे बच्चों को एकदम आंसर आना चाहिए, हम वेट कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन कनेटिक एनर्जी बराबर हो गया K2/K1 - 1 और इनटू हो गया बेटा 100 हो गया, ये पी प्रोपोर्शनल अंडर रूट के हो गया। यहाँ से वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधा आ गया P2/P1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया K2/K1, ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से P2 बराबर कितना हो गया, P1 + P1 का 100% हो गया अपॉन 100 हो गया, तो सीधा P2/P1 बराबर 2 हो गया बेटा अपॉन 2। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर हो गया 4 हो गया, और P2/P1 बराबर यही क्या आ गया बेटा K2/K1 आ गया। यहाँ शिफ्ट कर दो तो बराबर कितना आ गया है 4 - 1, ओ सारे बच्चों का एकदम सही, बराबर हो गया 300%, एकदम करेक्ट। चलो दूसरा देखें बेटा फटाफट, सब याद करने वाली चीज़ें हैं, एक बार हम आपको री कर देते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव एकदम जबान पे आपके कराया गया था, वो सारे फोर्स जो टूवर्ड सेंटर एक्ट करते हैं सब कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और क्लोज सरफेस के द्वारा इसका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो 3 बातें याद रखना है, मोर द कभी भी आ सकता है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो तीनों याद रखना है। जितने फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं वो सब कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा बेटा, क्लोज लूप में किया गया वर्क डन इसका 0 होता है। कंजर्वेटिव का एग्जांपल जब टूवर्ड सेंटर है बेटा तो न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, आपका क्या नाम है सेंट्रीपिटल हो गया बेटा, स्प्रिंग फोर्स हो गया, सब लिखा हुआ है कूलम फोर्स, यहाँ पे एक ऐड कर सकते हो स्प्रिंग फोर्स भी ऐड कर सकते हो बेटा, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स भी।
तो कोई बच्चे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चों को नोट होगा और जबान पे भी होगा बेटा। तो आप पीपीटी जब जाएगा तो आप वहाँ से नोट करोगे। नॉन कंजर्वेटिव ठीक इसका उल्टा होता, केवल बस मेमोराइज करें, नॉन कंजर्वेटिव इसका उल्टा होता है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है बेटा, और क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता है। जितने फोर्स बेटा वेलोसिटी डिपेंडेंट, जैसे फ्रैक्शनल फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है, विस्कस फोर्स है बेटा, ये सब कौन होते हैं, हमारे नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल होते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव जितने वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं ये सब नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। इनका पाथ बेटा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और क्लोज लूप में किया गया वर्क डन कभी जीरो नहीं होता बेटा। तो ये हमको एकदम दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। तीसरा सबसे प्यारा बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। जब किसी क्वेश्चन में आपका कोई दिमाग ना काम करे तो बेटा अंतिम हथियार है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी किसी एक सिस्टम पे जितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं सबके द्वारा किए गए वर्क की समेशन कर लो, सभी फोर्सों के द्वारा किए गए वर्क डन का समेशन कर लो बेटा, और बराबर चेंज इन कनेटिक एनर्जी का। किसी एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा अगर फोर्स लग रहे हैं और बेटा कभी स्पीड वगैरह पूछा जाए और आपका दिमाग ना काम करे तो सिर्फ सिंगल हथियार है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। जितने फोर्स हैं सबके द्वारा वर्क निकाल लो, सबका समेशन कर लो बेटा, और वो चेंज इन कनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाले सब होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव आप अभी पहचान चुके हैं बेटा कौन होते हैं, और एक्सटर्नल वहाँ दिया रहेगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन से किसी चीज़ को पुश किया जा सकता है बेटा, पुल किया जा सकता है, ये सब कौन होंगे, एक्सटर्नल होंगे। सबके द्वारा किए गए कामों का सम कर लो बेटा और चेंज इन कनेटिक एनर्जी कर दो, आंसर आ जाए एक लाइन का। क्लियर बच्चों? हाँ, जल्दी देखे क्वेश्चन। ये है बेटा दूसरा क्वेश्चन है एक पार्टिकल का जिसका मास दिया है बेटा, और ये कह रहा है कि यक्स बराबर जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम का इंजॉय करें बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम का इंजॉय। वर्क बराबर वर्क का समेशन बराबर चेंज इन कनेटिक एनर्जी बेटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है बेटा, इससे वर्क डन निकाल लो और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कनेटिक एनर्जी। कितना बन गया बच्चे, हाफ एमबी स्क्वायर। वर्क डन आप ग्राफ से खरीद लो, आंसर आ गया बेटा। करके यहां से बी फाइंड आउट कर लो, वर्क कौन होगा, वर्क हमारा एरिया कवर्ड हो जाएगा बेटा। ये हमारा ट्रेंगल T1 हो गया, रेक्टेंगल R1 हो गया, ट्रेंगल T2 हो गया, सबकी वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे कह रहे हैं सर फोर्थ ऑप्शन। चलो वर्क निकाल लेना बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो एरिया कवर्ड हो गया, मास का मान दिया है, बी की वैल्यू निकाल लेना। सारे बच्चे बोल रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड, गुड बेटा। चलें दूसरा क्वेश्चन, सब वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन बेटा। अगर कहीं पे पोजीशन समय के साथ दिया है और बेटा वर्क डन पूछा जाए किसी पार्टिकुलर टाइम में, तो इसका सबसे अच्छा हथियार है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। जो बच्चा इस मेथड का नहीं यूज करेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। अगर पोजीशन समय के रूप में दिया है तो बेटा तुरंत उसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, वहां से कनेटिक एनर्जी निकाल लो बेटा, और वर्क बराबर चेंज इन कनेटिक एनर्जी आ गया, एक लाइन का आंसर आ गया। तो देखें यक्स दिया हुआ बेटा, एक्स बराबर हमारा हो गया है T/3 हो गया है, यहां से वेलोसिटी आ गया dx/dt हो गया, ये 1/3 हो गया, 2t हो गया। समय का मान बेटा 2 सेकंड दिया हुआ है, यहां से जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 2 से 2 का मल्टीप्लाई आ गया, 4/3 हो गया। वर्क बराबर हो गया हाफ एम बी स्क्वायर हो गया बेटा, बराबर हो गया यहां से आंसर हो गया, मास का मान बेटा 2 kg है, वेलोसिटी हमारा 16/9 हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर डायरेक्ट दिख रहा है 16/9, गुड। अब देखो बेटा तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होंगे, सारे बच्चों को एकदम जबान पे होना चाहिए, तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में ग्राफ दिया होगा, आपसे पूछेगा कि किस पॉइंट पे सिस्टम न्यूट्रल होगा, किस में अनइक्विलिब्रियम होगा, किस पे इक्विलिब्रियम होगा। बच्चों बहुत अच्छे से पता है, न्यूट्रल पॉइंट हो चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे बच्चे अनइक्विलिब्रियम हो, तीनों की एक कहानी कॉमन है कि सब पे नेट फोर्स का मान जीरो होता है। सब में एफ बराबर -du/dr लगाया जाता है, ध्यान से देखें। और न्यूट्रल बहुत अच्छे से आपको पता है बेटा
कि न्यूट्रल चीजें कब होती हैं, जब एक बॉल को, ये देखो ये टेबल है, इसी को चौड़ा सा टेबल ले लो बेटा, ये रिमोट को चौड़ा सा टेबल ले लो, या ऐसे कोई डायरी ले लो, ये कोई कॉपी है आपके पास बेटा, एक कॉपी है, इस कॉपी पे रोड समझ लो और यहां पे ऐसे बॉल को बेटा डिस्प्लेस करो, ऐसे बॉल को डिस्प्लेस करो, तो ये बेटा न्यूट्रल का केस हो जाएगा। लेकिन अगर बाउल को उल्टा कर दो, यानी ऐसे एक बाउल ले लो बेटा और बाउल को उल्टा कर दो, उसके टॉप पे कोई चीज रख दो बेटा, तो अगर जरा सा भी धक्का लगेगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो वो कौन है, अनस्टेबल है। और इक्विलिब्रियम कौन होगा बेटा, कि कोई ऐसे एक शेप ले लो और बॉल उसके बॉटम पे रख दो बेटा, तो क्या होगा, जब तक उसको धक्का तुम नहीं मारोगे तब तक बेटा उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज भी होगा तो फिर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या करेगा, पा जाएगा बेटा। तो बहुत आसान केस है, सबको एकदम जबान पे होगा बेटा, सारी चीज़ें कराई गई हैं। स्टेबल का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होगा, हर एक में यह बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर का प्रयोग होगा। जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे बेटा स्लोप जो होता है डी यू अपॉन डी आर जीरो होता है। जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है, देखें इसका पिक्चर ये बनेगा, जब इसको डिस्प्लेस किया जाएगा बेटा, देखें यहाँ से और भी अच्छा बना सकते हो, देखो यहाँ पे जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है, ऐसे मान लो ये यहाँ से और अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे ऐसे कोई सिस्टम बाउल है और यहाँ पे एक बॉल रख दिया गया है, देखो ये हमारा बॉल है। अगर इसको डिस्प्लेस किया गया इधर या इसको डिस्प्लेस किया गया इधर बेटा, तो क्या करेगा ये, जैसे इसको डिस्प्लेस करोगे बेटा और छोड़ दोगे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है बेटा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। जब इसको ऐसे धक्का मार दोगे बेटा तो इसका सी जी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, यही लिखा हुआ है। और स्टेबल चीज़ों का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, कोई सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा जिसका पोटेंशियल एनर्जी जितना मिनिमम होगा बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी जितना मैक्सिमम होगा वो सिस्टम उतना अनस्टेबल होगा, ध्यान रखना। इसी को अगर ऐसे पलट दिया जाए बेटा, ऐसे उल्टा कर दिया जाए, तो जो पिक्चर शेप हमारा बनेगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा। तो देखें यहाँ से, नोट करना नहीं है, सब अपना आराम से नोट करना बेटा, जब ये पीपीटी जाएगा तो नोट करना, अभी यहाँ पे कुछ नोट ना करो। अनस्टेबल क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन करना है, अनस्टेबल ये है, देखो एक ये बाउल्स है और इसके ऊपर गेंद रखा हुआ है, जरा सा किसी बच्चे ने धक्का दे दिया, देखो जरा सा किसी बच्चे ने शरारत कर दिया, हल्का सा पुश कर दिया, तो ये क्या करेगा बेटा, नीचे की तरफ चला आएगा, देखो नीचे चला आएगा, और जब नीचे चला आएगा तो अपने पोजीशन को कभी गेन नहीं कर पाएगा, ध्यान रखें अपने पोजीशन को कभी गेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है जब इसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो जाता है, डाउनवर्ड, यही लिखा है कि जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, और इसका स्लोप क्या होता है बच्चे, जीरो होता है, ध्यान रखें। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अनस्टेबल सिस्टम का स्लोप हमेशा जीरो होता है, सारे बच्चे इसको केवल एक सिंगल पॉइंट नोट करें दिमाग में, अनस्टेबल चीज़ों की जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, और जो बच्चे स्टेबल होता है उसका स्लोप हमेशा उसका भी क्या रहता है, जीरो रहता है। तो अभी देखोगे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, दोनों का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, ये चीज़ कॉमन है, अभी देखोगे ग्राफ से भी इसको देख सकते हो। स्टेबल में बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल में भी, तो एक चीज़ तीनों में कॉमन है, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो चाहे न्यूट्रल हो, तीनों का स्लोप बच्चों जीरो होता है। और दूसरा याद रखना है सारे बच्चों को कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ बढ़ता है डिस्प्लेस करने पर, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ डाउन होता है बेटा, और जो न्यूट्रल पॉइंट होता है जब जमीन पे किसी बेटा गेंद को ऐसे पुश कर देते हैं तो वो न्यूट्रल की कंडीशन होती है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई चेंजिंग नहीं होता है बेटा, ध्यान से देखें। तो ये हमें तीन चीज़ें याद रखना है, जैसे गेंद है, ये देखो न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन है बेटा, देखें गेंद बना हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल है, सड़क पे इसको बेटा चलते रहें तो इस पर कोई, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे सेंट सी जी है वहीं पे बेटा फिक्स रहेगा, उसका सी जी वहीं रहेगा। चल क्वेश्चन आ गया, बेब साउंड में भी इसको सिखाया गया है, जिस बच्चे का गलत हुआ वो मार खाएगा, जिस बच्चे का गलत हुआ वो मार खाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और पोजिशन में ग्राफ है, पूछा गया है एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पाँच पॉइंट,
कहां पे बेटा न्यूट्रल होगा, कहां अनस्टेबल होगा, कहां स्टेबल होगा। अनस्टेबल वहां पे बॉल होगा जहां से धक्का मारने पर वो फिर वैसी पोजीशन पे आ जाए। न्यूट्रल वहां होगा प्लेन सड़क पर होगा बेटा, और अनस्टेबल कहां होगा जहां से धक्का देने के बाद दोबारा वो वापस ना आए। जैसे किसी हिल से किसी को धक्का दे दिया जाता है तो दोबारा वो वापस नहीं आता, सीधा कहां जाता है बेटा, समझ सकते हो। लेकिन बॉटम पे अगर धक्का दिया जाता है तो बेटा थोड़ा बहुत लड़खड़ा के फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग बॉटम पे धक्का देते हैं तो इधर उधर ऐसे लड़खड़ा के बेटा फिर आ जाता है। लेकिन अगर पीक पे आप पहाड़ के पीक पे धक्का दोगे तो कोई रास्ता नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा बेटा, और क्यू ओ और टी ये तीनों न्यूट्रल होंगे बेटा। ये तीनों न्यूट्रल, ये हमारा अनस्टेबल और ये हमारा क्या होगा, स्टेबल बेटा। यस, बिल्कुल एकदम सही, गुड बेटा। न्यूट्रल पॉइंट कौन होगा, ओ होगा, क्यू होगा, टी होगा। स्टेबल कौन होगा, स्टेबल हमारा एस पॉइंट होगा। अनस्टेबल कौन होगा, पी होगा। गुड बेटा, एकदम एकदम सही, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अब चलें, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, मैंने बेब साउंड में इसको पढ़ाया है। वहां पे बेटा पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाए थे और यहां पे प्यारे बच्चों फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है। वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाए थे और यहां पे फोर्स का डायरेक्शन दिखाए थे। मैंने ट्रिक सिखाया था कि अगर जब पहाड़ पे चढ़ोगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा, पहाड़ पे नीचे आओगे तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा बेटा, और जो पीक पॉइंट पहाड़ का होगा वहां स्लोप जीरो होगा, और जहां जीरो होता है वहां कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी पी पॉइंट पर यम पॉइंट पर कोई भी फोर्स का डायरेक्शन बच्चों नहीं बनेगा। तो चलें, हां पी पे अनस्टेबल और एस पे स्टेबल बेटा। तो चलें बेटा, सभी बच्चे इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताएं, ओ से पी तक, पी से सारे पॉइंटों पर फोर्स का डायरेक्शन। बच्चों याद करो, बेब साउंड मैंने पढ़ाया है और वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा। जब हम ओ से पी पर जाएंगे, ध्यान से देखें, एट पी पर, देखें पी पर यहां पे भी कोई पॉइंट दे देते हैं, यहां पे नाम दे देते हैं यच, पी पर, एच पर और एम पर, पी पर, एच पर और एम पर स्लोप का मान जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा बेटा तो इसका मतलब है नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होगा, नो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब चलो, अगर हम ओ से पी की तरफ चलते हैं तो स्लोप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ बराबर होता है बच्चे, ध्यान रखो, स्लोप अगर पॉजिटिव हो गया इसका मतलब हो गया डी ओ आर डी आर का मान पॉजिटिव होगा। एफ बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, एफ बराबर होता है माइनस डी ओ अपान डी आर हो गया, माइनस और प्लस का नेचर कैसा हो गया, निगेटिव। निगेटिव क्या शो करता है बच्चों, याद करो, डाउनवर्ड। यस, बिल्कुल बेटा, निगेटिव क्या शो करेगा, डाउनवर्ड। तो एकदम क्लियर सारे बच्चों का, यहां पे बच्चों डाउनवर्ड होगा, यहां पे डाउनवर्ड होगा, यहां पे डाउनवर्ड, तो ठीक इसका उल्टा अपवर्ड होगा बेटा। अब सारे बच्चों का एकदम क्लियर है, यहां पे बेटा फिर ये होगा, ये हमारा डाउनवर्ड हो गया, यहां पे कोई फोर्स नहीं होगा, यहां पर हमारा अपवर्ड हो गया। एकदम सारे बच्चों का मस्त, देखें अपवर्ड। बच्चों कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, बच्चों कोई डाउट तो नहीं यहां पे। बहुत ट्रिक मैंने सिखाया था कि जब पहाड़ पे जाएंगे नीचे से ऊपर जाएंगे तो मुंह नीचे होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो मुंह ऊपर होगा। आंख देख के टिक मार दिया करो बेटा, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। तो ओ से पी पर जाएंगे बेटा तो पहाड़ पे जा रहे हैं तो डायरेक्शन नीचे होगा, पी से यच पर आएंगे बेटा तो पहाड़ के नीचे आएंगे तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो एकदम क्लियर होना चाहिए, यस, ओके, गुड। चलो, और P पॉइंट पर, H पॉइंट पर, M पॉइंट पर फोर्स का मान जीरो होगा क्योंकि बच्चों स्लोप जीरो हो जाएगा। गुड, एकदम ईशा, वही मैंने बताया बेटा, वो मैंने स्लोप की बात किया है। ईशा मैंने बताया था कि जब हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे, ईशा अच्छे समझ बेटा, मैंने बताया था कि जब हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे, ध्यान से देख सुनो, पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो स्लोप निगेटिव होगा,
स्लोप निगेटिव होगा बेटा, तो वहां पे क्या था, पार्टिकल वेलोसिटी बराबर माइनस बी इंटू स्लोप, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया था बेटा ऐसा, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का मतलब हो गया कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और बेटा जो नीचे होता है उसका डायरेक्शन देखो यहां से समझो ऐसा, सेम वही बात है बेटा, जब ओ से पी गए हैं तो स्लोप इसका निगेटिव होगा, ध्यान से देखें, सॉरी उल्टा बोल गए बेटा, सॉरी ईसा उल्टा बोल गए, जब हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा बेटा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, वेव साउंड में क्या था, पार्टिकल वेलोसिटी बराबर माइनस बी इंटू स्लोप बेटा, तो माइनस बी स्लोप का नेचर पॉजिटिव, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस मतलब डाउनवर्ड हो गया बेटा, और जब पहाड़ के नीचे उतरते हैं तो स्लोप का नेचर बच्चे निगेटिव होता है, बीपी बराबर माइनस बी इंटू बेटा पार्टिकल वेलोसिटी आया था, सॉरी वेव वेलोसिटी, तो माइनस और इंटू स्लोप माइनस बराबर पॉजिटिव आ गया था, पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, सेम है बेटा, आपको शायद डाउट होगा एक बार फिर से चेक कर लेना, तो यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़े हो बेटा, देख लो बेटा ऐसा, ओ से पी पर स्लोप पॉजिटिव है तो ड्यू अपॉन डी आर ही को ही स्लोप कहा जाता है बेटा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह बराबर फार्मूला होता है माइनस ड्यू अपॉन डी आर, माइनस बाहर हो गया, ड्यू आर अपॉन डी टी का नेचर पॉजिटिव हो गया, माइनस और प्लस निगेटिव हो गया, निगेटिव क्या शो करता है बेटा, डाउनवर्ड शो करता है, क्लियर बच्चे, हाँ चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताओ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आर का मान पूछा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आर का मान पूछा है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आर का मान पूछा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सारे बच्चों को अभी दिखाया गया है कि इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, हाँ इस समय एकदम तैयारी सही मस्त होना चाहिए बेटा, एक बच्चा कह रहा है भाई ऐसी तैयारी, अच्छा भाई बच्चा डांट रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेटा क्या होता है, डीयू अपॉन डीआर का मान क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखना रटना नहीं, आर जरूरत होने पे डीयू अपॉन डीएक्स होगा, आर जरूरत होने पे डीयू अपॉन डीवाई होगा, आर जरूरत होने पे डीयू अपॉन डीजेड होगा, ये डिपेंड करेगा बेटा कि यहाँ पे अगर यक्स है तो डीयू अपॉन डीएक्स कर देना, वाई है तो डीयू अपॉन डीवाई कर देना, जेड है तो डीयू अपॉन डीजेड कर देना बेटा, ध्यान रखना। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन आप बी पे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बी पे टिक कर दो, चलो भाई मैंने भी बी पे टिक कर दिया है, चेक कर लेना बेटा और आर की वैल्यू निकाल लेना, डी यू अपॉन डी जीरो कर देना और आर को बेटा फाइंड आउट कर लेना, क्लियर है, ओके चल नेक्स्ट। बच्चे याद होगा, सारे बच्चे मुस्कुराने लगे होंगे, सर ये फार्मूला तो एकदम हम पागलों की तरीके से रटे रहते हैं कि वर्क डन जो चयन होता है बेटा, बस आप हमें पता है, याद है आपको, मुझे बस आपको दिखा देना है बच्चों, एक चयन है, चैन की कुल लेंथ यल है और उसका टोटल मास एम है और उसका 1/n पार्ट बेटा हैंग है, उसका 1/n पार्ट हैंग है, इसी को बेटा हमें पुल करना है, इसी को यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे देखो एक अंकल खड़े हैं और ये देखो अपने हाथों से इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं बेटा अपनी तरफ, देखो इसको चढ़ा रहे हैं, तो जब इसको ये पुल कर रहे हैं बेटा, देखो खींच रहे हैं, तो यही क्वेश्चन है कि कितना वर्क डन होगा, सारा बच्चा जबान पे किए होता है एम जी एल अपान टू एन स्क्वायर, क्वेश्चन में एम दिया होगा, जी दिया होगा, एल दिया होगा, क्वेश्चन में यन खरीदना होता है, तो बस यही ट्रिक सिखा देना बेटा कि एम जी एल अपान टू एन स्क्वायर है तो यन कैसे खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हाउ टू फाइंड हैंगिंग पार्ट एन बेटा, क्या ट्रिक है, 1/n लिखा करो, ध्यान से देखें 1/n लिखा करो और हैंगिंग पार्ट, जैसे हैंगिंग पार्ट 5/6 है तो 1/n बराबर 5/6, तो n बराबर क्या होगा 6/5 हो जाएगा, मान लो 2/3 भाग हैंग है तो 1/n बराबर 2/3, तो n बराबर क्या होगा 3/2 होगा, क्योंकि बच्चा जो गलत करता है बेटा वो n खरीदने में गलत करता है, तो ट्रिक मैंने लिख दिया है 1/n बराबर हैंगिंग पार्ट बेटा, हाँ 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 बिल्कुल, अंकल को रहने दो भाई, हटाओ नहीं अंकल को, हाँ
अब जल्दी जल्दी बता दो बेटा, अगर 1/3 पार्ट हैंग है तो यन क्या होगा? 1/3 पार्ट अगर हैंग है तो यन क्या होगा? जो बच्चा गलत करता है केवल वो सीखो। अगर 1/3 पार्ट हैंग है तो यन क्या होगा? 1/n बराबर, यहां से यन कितना आ गया? 3 आ गया। यहां पर अगर 5/6 पार्ट हैंग है बेटा तब क्या हो जाएगा? ऐसे हम लोग लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे, यहाँ से n बराबर 6/5 हो गया। यहाँ से अगर 3/4 पार्ट है बेटा तो 3/4 पार्ट हो गया, n बराबर 4/3। जहाँ जहाँ से बच्चा गलत करता है वो मैंने केवल हैंडल किया है। यस, बिल्कुल एकदम सही, सारे बच्चों का एकदम सही, कुछ सोचने नहीं है, क्योंकि यही बेटा n खरीदने में बच्चा जल्दी से गलत कर जाता है। तो n कैसे खरीदना है ये मैंने यहाँ पे बना दिया बेटा। 1/n लिखो, हैंगिंग पार्ट दिया रहेगा, सीधा n की वैल्यू निकाल लिया करो बेटा, यहाँ पर है। कुछ बच्चे कहते हैं सर उल्टा कर दिया करो आंसर, जैसे आपको समझ में आ जाए बेटा, हमने सिस्टम से सिखा दिया, आप ट्रेन चला लिया करो, जल्दी से चलें। हर बच्चे के रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, 1/5 पार्ट हैंग है तो वर्क डन कितना होगा? 1/5 पार्ट हैंग है, 1/5 पार्ट हैंग है, ये बराबर हो गया, यहाँ से n बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। आंसर हो गया W बराबर MgL/2 हो गया, 2n² हो गया, ये बन गया बेटा MgL हो गया, बराबर हो गया 5² 2 हो गया, बराबर 50 बेटा, बिल्कुल। यस, बच्चे ड्राइव करके नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये क्लास डेरिवेशन वाला नहीं है। डेरिवेशन के लिए बेटा आपको मेन कॉपी में जाना होगा, जब मेन क्लास पढ़ाया गया वहां जाना होगा बेटा। यहाँ डेरिवेशन के किसी फार्मूले के डेरिवेशन का कोई रास्ता नहीं है, आइए बेटा इसके लिए सॉरी, डेरिवेशन का कोई रास्ता नहीं बेटा, डेरिवेशन यहाँ नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्लास नहीं है बेटा। यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी में 7 क्लास में वर्क पावर एनर्जी खत्म हुआ है, यहाँ 2 घंटे में खत्म करना है बेटा। चलें जल्दी से क्वेश्चन बताएं, 2/7 पार्ट इसका हैंग है तो वर्क डन कितना होगा? कोई बच्चा किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन अपेक्षा ना रखे, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। 2/7 पार्ट हैंग है, वर्क डन बताना है ओरल बेटा। 1/n बराबर हो गया 2/7 हो गया, यहाँ से 2/7, यहाँ से n बराबर क्या हो गया? 7/2 हो गया बेटा। वर्क डन बराबर कितना हो गया? ये हो गया MgL/2 हो गया, 2n² हो गया, सीधा बन गया बेटा MgL और 2n² हो गया, ये बन गया बेटा 49 हो गया × 4 हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2/49 हो गया, और ये बन गया बेटा MgL। गुड, एकदम सही, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चों को सही। कोई बच्चा बेटा डेरिवेशन की अपेक्षा बिल्कुल ना करे, नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल इस सब क्लास में कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा। चलें नेक्स्ट आ गया बेटा, पावर की बात आ गई है। पावर, जितने पावर के फार्मूला, जो बच्चा अभी डेरिवेशन चाह रहा था बेटा, पावर में करीब 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, पावर में करीब 10 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, मैंने सबको इंक्लूड कर दिया। पावर बराबर वर्क अपान टाइम होता है, अब ये मेन फार्मूला है वर्क अपान टाइम, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं और सब नीट में लाइन से आए हैं। फार्मूले में रखो, मुस्कुराते हुए टिक मार दो बेटा। पहला वर्क आता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो W बराबर MgH हो गया। नीट का क्वेश्चन आ चुका बेटा, M/T को एक ब्रैकेट में कर दो तो GH हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो मास था वो किलोग्राम पर सेकंड में था या पर मिनट में था बेटा, यानी M/T का मान दिया था, कुछ परसेंटेज की बात किया था, तो वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ गया। वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ गया, मेन फार्मूला W/T है बेटा। तो दूसरा बना ½mv² / t। वर्क बराबर force × displacement होता है, displacement/time बराबर वेलोसिटी हो गया, तो पावर बराबर बेटा force.velocity आ गया। 3 फार्मूले ये बने, जो बच्चा नहीं जानता है वो नोट करे बेटा, और जिसको आता है वो नोट ना करे, क्योंकि उसके पास नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है बेटा। कोई नया बच्चा है तो बिल्कुल केवल वही याद करे बेटा, और पुराने बच्चों के पास नोट ऑलरेडी एकदम मस्त बना हुआ है, कुछ सोचने की नहीं जरूरत है बेटा।
यस। तीसरा, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर क्वेश्चन में बच्चों पावर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, अगर क्वेश्चन में पावर, ये भी क्वेश्चन आ चुका नीट में, अगर क्वेश्चन पावर समय के रूप में दिया है बेटा, तो इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लेना। अगर क्वेश्चन में पावर समय के रूप में दिया है तो इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लेना बेटा, ध्यान से देखें। दूसरा, दो तीन बार नीट में रिपीट हो चुका बेटा, वेलोसिटी का समय से रिलेशन, ये सब हमने मेन क्लास में डेरिवेशन कराया है, लेकिन यहाँ पे बेटा पॉसिबल नहीं है तो मैंने केवल रिजल्ट लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, अगर पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का टी से पावर हाफ होता है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन हो गया बेटा, कि वेलोसिटी का क्वेश्चन यही था कि एक इंजन है जो कांस्टेंट पावर से बेटा मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी समय के साथ क्या वेरिएशन होगा, वहां अंडर रूट लिखा हुआ था, टी का पावर हाफ, टी का पावर माइनस हाफ, टी का पावर वन अपान, सब करके चार ऑप्शन दिया था। पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, अंडर रूट टी के बेटा। तो सारे बच्चों इसको नोट करें, नए बच्चे बेटा। ऋतिक यादव, आई एम ऑल्सो न्यू, तो बेटा आप नोट करो। हाँ सुमित बेटा, आजकल कौन कौन सा लैंग्वेज लिख रहा है? सुमित सुमित, हम बेटा आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या लिखता है भाई, पंजाबी है कि महाराष्ट्रियन है, कौन सी लैंग्वेज लिख रहा है? सुमित शर्मा बेटा, कितने लैंग्वेज जान रहा है सुमित? सुमित कितना लैंग्वेज जान रहा है? सुमित आजकल बेटा लैंग्वेज मेकर हो गया है क्या? अब नीट नहीं क्वालिफाई करना है, लैंग्वेज फॉर्मेट करेगा? सुमित ऐसी भाषा में लिख बेटा, अच्छा ट्रांसलेटर कर रहा, बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, एक्सीलरेशन पूछा जाता है, एक्सीलरेशन पावर से क्या रिलेशन होता है? एक्सीलरेशन बराबर अंडर रूट पी अपॉन टू एम टी होता है, यानी एक्सीलरेशन का टी से पावर माइनस हाफ होता है बेटा। नए बच्चे नोट करें सब। और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो जो एक्सीलरेशन का रिलेशन होगा वही फोर्स का होगा। हाँ बिल्कुल सही, खुद भी नहीं समझ पा रहा होगा सुमित, अब कुछ भी बना दे बेटा, बंदर भालू सब अननोन है, कोई नहीं समझ पा रहा तुम्हारी भाषा। हाँ हाँ जो बच्चे नए हैं केवल नोट करें बेटा, पुराने बच्चों के पास सबके पास होगा और सब अपनी कॉपी से मिला सकते हैं, और जिनका छूटा हुआ है वो एक जगह कलेक्शन कर सकते हैं। पावर के 9 से 10 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब मैंने एक जगह कलेक्ट करा दिया बेटा। ये एक्सीलरेशन का टी पावर माइनस हाफ है, फोर्स का बेटा टी पावर माइनस हाफ है। हाँ सुमित, अब बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, सुमित सुमित बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। सुमित काफी इंजॉय हो गया बेटा, सुमित काफी इंजॉय, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। सुमित बेटा मुझे कोई स्टेप उठाना नहीं पड़े, अब एकदम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब चीजें करने से बेटा बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, कई बार इसको हमने आपसे ओरल भी पूछा है, अगर क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम और टाइम दिया है, ये भी नीट का क्वेश्चन आ चुका है, तो पावर बराबर प्रेशर वॉल्यूम अपान टाइम, तो प्रेशर जरूरत होने पे एच रो जी के बराबर बन सकता है, रो सिंबल हमें पता है डेंसिटी का होता है। नए बच्चे इसको अच्छे से खाएं बेटा, पावर बराबर प्रेशर वॉल्यूम अपान टाइम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपान टाइम बेटा। पावर बराबर प्रेशर वॉल्यूम अपान टाइम बेटा, इसको नोट करो अच्छे से। सारे फार्मूले बेटा एकदम नोट कर लो, लाइन से क्वेश्चन सब हैं। मैंने नीट का क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया कि सारे बच्चे मेरे याद किए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो फटाफट जब आंसर एकदम देख के बता देते हैं तो मजा नहीं आता है। इसीलिए जिस दिन हम रोटेशन पढ़ाएंगे, वर्क पावर के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत अच्छे किताबों में हैं उन्हीं को ले लेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हमारा बच्चा पसंद नहीं करता है, उसको आता है सब। तो चलें ये फार्मूला भी याद रखो, और बस अपने लिए बेटा हम पूछेंगे भी, और आप रेडी रहो।
दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने बच्चे भी नोट करें, उनको हमने नहीं बनवाया था, पुराने बच्चे भी नोट करें। ये फार्मूला अभी एक बच्चे ने मुझसे जल्दी ही एक क्वेश्चन दिया था मुझे, एक बच्चे ने नीट उड़ान का ही पर्सनल मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, और वहाँ पे वेलोसिटी कुछ दिया हुआ था और मास पर यूनिट लेंथ दिया था, कहा था पावर पूछा था, तो मैंने इसको बनाया था बेटा और इसको मैंने कॉपी में लिख लिया था, और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी इस टाइप का आया था बेटा, तो इसको नोट करें सभी बच्चे। अगर किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, ध्यान से देखें, किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है और मास पर यूनिट लेंथ दिया है बेटा, तो पावर बराबर मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी होता है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है, 5-6 स्टेप में बन जाता है बेटा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही बनता है। फोर्स बराबर ma होता है, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तोड़ते जाते हैं और बेटा ये बन जाता है। तो इसको सारे बच्चे अच्छे से नोट करें। हाँ सुमित बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, सुमित पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। पावर बराबर m अपॉन l इंटू बी क्यूब, सारे बच्चे इसको नोट करें और अपनी कॉपी में इंक्लूड करें बेटा, जो पुराने बच्चे हैं वो भी इसको नोट करें, पुराने बच्चों को नहीं पढ़ाया गया था। बेटा नाम नहीं याद है लेकिन बच्चे ने भेजा था बेटा, बच्चे ने भेजा था और ये फिर मैंने बनाया, तो ये फिर बच्चे उसको सोल्यूशन भी मैंने बताया था, इसको नोट कर लो m बाई एल बी क्यूब बेटा। इसको लीनियर डेंसिटी भी कहा जा सकता है, हो सकता है बच्चों किसी क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ ना दे, बच्चों ध्यान से देखो, मास पर यूनिट लेंथ ना दे तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, याद करो, लीनियर डेंसिटी भी होता है, तो हो सकता है क्वेश्चन में लीनियर डेंसिटी नाम कह दे बेटा, लीनियर डेंसिटी नाम कह दे, तो ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कह रहा 2 सेकंड में इसका पावर बता दो, सॉरी वर्क डन, 2 सेकंड में इसका वर्क डन बता दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फोर्स की वैल्यू दिया है 3 TI + 5J, जो जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो लिखें बेटा, फोर्स का मान है 3 TI + 5J न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा 2T² I - 5J, 2T² I - 5J, कह रहा वर्क डन बता दो इन 2 सेकेंड, फाइंड आउट वर्क डन इन 2 सेकेंड। वर्क डन इन 2 सेकेंड, फाइंड आउट वर्क डन इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का मान दिया है बच्चों 2T² - 5J। हाँ चलो आंसर डिफरेंट आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट का मान दिया है बेटा 2T² I है, माइनस है 5J है, ये है -5J है, यहां से वेलोसिटी निकाल लो बेटा, क्या आ जाएगा, ds/dt आ गया, बराबर हो गया देखो 4T हो गया, 2T² है तो ये 4TI हो गया। देखें अब देखो वर्क डन पूछा, इसका मतलब है बेटा कहीं से आपको पावर लाना होगा, ये हमारा वेलोसिटी हो गया है, पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12T² हो जाएगा बेटा, ये पावर हो गया, और अभी जस्ट पढ़े हो, वर्क बराबर बेटा हो गया PdT हो गया, T1 से T2 हो गया, 2 हो गया 2 सेकंड में, इंटीग्रेट कर दो बेटा, 12 बाहर हो गया, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन T³/3 हो गया है, और 0 से 2 हो गया है, ये बराबर 4 आ गया बेटा, यहाँ पे 4 हो गया है, T³ हो गया, 2 का क्यूब हो गया, बराबर 32 वाट बेटा, सॉरी जूल, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों 32 जूल।
32। हाँ वर्क डन बेटा, वर्क डन इन 2 सेकेंड बेटा, तो ये हो गया 32 जूल। वर्क डन अभी जस्ट पढ़ाया गया है कि अगर पावर मेरा समय के साथ हो बेटा तो इंटीग्रेट कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। गुड, फोर्स इन 2 सेकेंड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें। किसी हॉज पाइप से बेटा वाटर निकल रहा जिसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है और उसका मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है बेटा पाइप का 50 किलोग्राम पर मीटर, उसका पावर बता दें। अब अगर वो फार्मूला नहीं याद है और कोई बच्चा ये सोचेगा कि नहीं हम नीट के दिन इसको बनाएंगे, एग्जाम के दिन बनाएंगे बेटा, तो आज तक किसी का बना नहीं, इसीलिए बेटा इसको याद करके रखो। अभी जस्ट करवाया गया है कि अगर मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है और पावर पूछा गया है तो कितना होगा। ये सब ऐसी चीजें हैं बेटा कि एकदम जबान पे आपको याद करना होगा। यस, तो इसका कितना आंसर बच्चों, अभी जस्ट आया है ये आ गया, पावर बराबर हो गया है मास अपॉन एल हो गया है इन टू वेलोसिटी का शायद कितना क्यूब बेटा, हमें भी फार्मूला भूल गया, वेलोसिटी का क्यूब, वेलोसिटी का क्यूब बेटा, तो बराबर कितना हो गया 50 हो गया और ये बन गया बेटा 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो ये बराबर हो गया हमारा, ये हो गया 50 इंटू हो गया 27। क्लियर है? यस, सारे बच्चे कह रहे हैं सर मल्टीप्लाई करने पर 1350 वाट। गुड, 1350 वाट। गुड बेटा, एकदम सही बेटा, एकदम याद कर लो। और हम ये जो पावर वाले 9 फार्मूले हैं मुझे भी नहीं याद होता है, हम आपको बेटा जिस दिन रोटेशन का क्लास लेंगे ट्यूजडे को, उस दिन हम आपसे पूछेंगे, आप एकदम रेडी रहें बेटा, उस दिन हम आपसे पूछेंगे सारे फार्मूले हम आपसे पूछेंगे। चले, ओ 1 मिनट में पावर बताना है, सारे बच्चे करें भाई 1 मिनट में पावर बताना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, 1 मिनट में पावर बताना है, ये कैसे सॉल्व करें? सुधीर सर ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग वर्क तो जानते थे सर, हम पावर नहीं जानते हैं। अरे बच्चे, वर्क अगर निकाल लेगा तो पावर बराबर वर्क अपान टाइम होगा, समय को सेकंड में कन्वर्ट कर दे बेटा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया, तो इसका वर्क डन निकाल लो बेटा और 60 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। गुड, एकदम यस। जया शर्मा बेटा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये पूरा इक्वेट करके आंसर आया था, पूरा इक्वेट करके आंसर आया था बेटा। जया शर्मा सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक के लिए टी की वैल्यू रख के, नहीं बेटा, नहीं 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 बच्चे, जया नहीं बेटा, सबसे पहले आप वर्क डन निकालोगे, ट्रेंगल टी हो गया, रेक्टेंगल आर वन हो गया, यहाँ से बेटा एक ट्रेंगल बना T2, रेक्टेंगल हो गया R2, ट्रेंगल हो गया T3, सबसे पहले क्या निकालोगे, वर्क निकालोगे, कहाँ से आएगा, एरिया से, वो आप निकालोगे, पावर बराबर वर्क अपान टाइम हो गया। हाँ सुधीर सर नहीं निकालेंगे भाई, वर्क का मान जितना आए ऊपर लिखोगे, समय 1 60 सेकेंड बेटा। फोर बाई थ्री, अच्छा सारे बच्चे कह रहे हैं 4/3 बेटा, ध्यान से देखना, कर लेना इसका एरिया कवर निकाल लेना और वैल्यू निकाल लेना बेटा। हाँ वो आपको करना होगा, वो अपने से आप वर्क डन निकाल लेना बेटा और 60 सेकंड से डिवाइड कर लेना बेटा। दूसरा क्वेश्चन, पावर और टाइम में ग्राफ है, वर्क डन पूछा है 10 सेकंड में, पावर और समय का ग्राफ है। हाँ आज लगता है वॉरियर का हैप्पी बर्थडे था, वॉरियर बेटा कैसे क्लास मिस हो गया। हाँ चलो, पावर और समय का ग्राफ है बेटा, वर्क डन बताना है, हम लोगों को पता है भाई पी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से वर्क बराबर पीटी होगा, तो वर्क कहाँ से आएगा, एरिया कबर्ड से आएगा, एरिया कबर्ड,
ये हमारा ट्रेंगल हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, और ये बच्चे हमारा ट्रेंगल बना टी टू, रेक्टेंगल बना आर टू, सबका समेशन कर देना, आंसर आ गया। पूजा वन आ रहा बेटा, अच्छा करो। अच्छा नहीं नहीं वैरियर, ऐसे मैंने मजाक में बोल दिया भाई, हाँ कोई काम रहा होगा, नहीं तो बच्चा मिस नहीं करता है क्लास। हाँ वैरियर क्लास मिस नहीं करता भाई। हाँ शर्मा जी का आंसर आ रहा है 60। चलो सभी, अच्छा अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, 62 62 सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। हाँ सिल्वन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, 62। अच्छा सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 62। चलो भाई मैंने भी कर दिया 62, चलो कोई बात नहीं 62। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो बेटा, फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, कह रहा है पावर डेवलप बता दो कितना होगा। ओ पावर पूछा है, पावर बराबर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, हमको कहीं से वेलोसिटी लाना होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, कहीं से हमें वेलोसिटी लाना होगा, तो हमें इसके लिए बेटा एक्सीलरेशन, एक मेरे पास रास्ता है, फोर्स अपॉन मास हो गया, बराबर आ गया बेटा 2TI हो गया, प्लस हो गया 3T²J हो गया, मास का मान 1 है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन सीधा इतना आ गया। एक्सीलरेशन बराबर हो गया DB/dt हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया तो B बराबर इंटीग्रेशन कितना आ गया है, A dt आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, वेलोसिटी आ जाए, तो वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये बन जाएगा बेटा 2T²/2 हो गया, T²/2 हो गया, प्लस हो गया 3 हमारा बाहर आ गया, ये बन गया बेटा T³/3 हो गया। आई जैसे है वैसे रखो बेटा, जे जैसे है वैसे रखो, डायरेक्ट मैंने कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा वेलोसिटी कितना आ गया बच्चे, ये आ गया T²I हो गया, प्लस हो गया T³J हो गया। यस सारे बच्चे कर चुके हैं आंसर, डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो बेटा, इसका आंसर ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो पावर बराबर क्या आ गया है सीधा 2T, यस 2T हमारा आई हो गया, प्लस हो गया 3T², इसमें जे हो गया है, और ये बेटा डॉट बन गया है, और ये हो गया है T² हो गया आई, प्लस हो गया है T³J हो गया है T³J। तो आंसर जब करेंगे बेटा तो ये टी का पावर क्यूब हो गया, 2T³ हो गया, 3T⁵ हो गया, तो ये आंसर बेटा ओरल दिख रहा है, बी ऑप्शन। चलो बस खत्म होने वाला क्लास, 5 मिनट में बेटा हम लोगों की क्लास खत्म होने वाली है। ये पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स में ग्राफ है, इसका फोर्स निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ है, इसका फोर्स निकालना है। एफ बराबर होता है -du/dx होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, तो ये इसका हम हेल्प ले लेते हैं बेटा, इसका हेल्प ले लेते हैं। अगर हम ओ से पी जाते हैं, ओ से अगर हम पी जाते हैं, तो देखो इसका स्लोप हमें देखना होगा बेटा, ओ से पी। हाँ सर आंसर चेक करिए लास्ट वाला, सर आंसर चेक करिए लास्ट वाला, चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। T²I + T³J हो गया 2T³3, 2T³3, 3T⁵। सही है बेटा, सही है, सही है, सही है, आंसर सही है बेटा, बी ऑप्शन, बी बी ऑप्शन बेटा, बी। अच्छा उसका 74 आ रहा है, अच्छा 74, अच्छा उसका 74 आ रहा है, बच्चे इसको चेक कर लेते हैं भाई, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसका 74 आ रहा है। ओफो सुधीर सर अभी रोएंगे बेटा, एरिया हमसे निकलवा रहा है बच्चा, एरिया निकलवा रहा है, अभी हम रोएंगे बच्चे, एरिया हमसे बच्चा निकलवा रहा है भाई, चलो हम भी रो रहे हैं, एरिया निकलवा रहा है बच्चा, सो सॉरी सो सॉरी सो सैड।
बच्चा हमसे एरिया निकलवा रहा है भाई, ये हो गया चार हो गया, बच्चा हमसे एरिया निकलवा रहा है भाई, तो ये हो गया 4 × 6। चल बेटा चेक कर लेते हैं, 2 से 2 हो गया बराबर 6 हो गया, 24 हो गया प्लस हो गया 8 हो गया प्लस हो गया 24 हो गया, 24 और 24 48 हो गया, ये हो गया 48 प्लस हो गया 14 हो गया, यहाँ से आ गया बेटा 48 2 50 हो गया, 62 ही तो आ रहा बेटा, बच्चे 62 ही तो आ रहा है, 48 चेक कर लो बच्चे। अच्छा ये 10 है बेटा, इतना ही तो आ रहा है, चेक करो, इसका हाफ बेस हाइट हो गया, ये 2 बन गया बेटा, और हाइट इसका 6 हो गया, ये 6 का 2 4 हो गया, 4 का 6 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक सही है, ये ट्रेंगल बना, हाफ बेस हो गया 10 − 6 = 4 हो गया, हाइट इसका बेटा 10 − 6 = 4 हो गया, ये विड्थ और हाइट हो गया 10 − 6 = 4 हो गया, और ये 6 बन गया बेटा, तो ये 24 हो गया और ये 24 हो गया, 24 + 24 हो गया, 16 का 2 से डिवाइड 8 हो गया, 2 2 कट गया 6 हो गया बेटा, 24 और 24 48 हो गया, 48 + 14 बेटा 62 ही तो आ रहा है प्यारे बच्चे, 62 ही तो आ रहा है, 48 हो गया और 2 50 हो गया 60 62। वाह मेरा बच्चा मुझे रुलाया, बच्चा 62 ही तो आया है प्यारे बच्चे, ओफो सुधीर सर को आज रोना होगा, मेरा बच्चा कैलकुलेशन मुझसे कराया है, हाँ इतना छोटा सा कैलकुलेशन, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओ से पी हो गया, चलो चलता है कभी कभी, तो यह बराबर होता है बेटा −du/du, हाँ एफ बराबर −du/dx हो गया, तो ओ से पी जब हम लोग चलेंगे बेटा, तो ओ से जब पी चलेंगे तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखो पी से क्यू पर जब चलेंगे, पी से क्यू पर चलेंगे तो बेटा स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्लोप इसका 0 हो जाएगा, और अंत में जब हम क्यू से यस पे जाएंगे तो स्लोप इसका निगेटिव हो जाएगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ऑप्शन फर्स्ट बेटा, यस ऑप्शन फर्स्ट गुड। और बस आप लोग देख लो 2 सेकंड में एनर्जी पोजीशन ग्राफ, अभी बेटा शायद टेस्ट में भी आपके आया था एनर्जी पोजीशन ग्राफ, ये टोटल एनर्जी होता है, ये क्लास 10th से ही पढ़ लेता है बच्चा, बस यहाँ पे देख लो जिससे कभी गलत ना हो, ये कहाँ से जम्पशन लिया जाता है, 10th में हम लोग प्रूफ करते हैं कि जब एक पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है बेटा, तो देखो यहाँ पर यही है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ये कंजर्व है, ये एनर्जी है, ये हाइट है बेटा, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे देखो हाइट हमारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखो हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है बेटा, और ये वाला काइनेटिक एनर्जी है, तो बस केवल देख लेना है कुछ करना नहीं, ये भी अपना जाना पहचाना ग्राफ है, कुछ सोचना नहीं बेटा, ये नीचे से काइनेटिक एनर्जी है और ये वाला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो सारे बच्चों को कुछ बनाना नहीं है, एकदम जबान पे दिख रहा होगा सभी के दिमाग में, तो केवल मुझे दिखा देना था, क्लियर बच्चे, तो ठीक है आज बेटा हम लोग यहां तक रखते हैं, हम लोगों का रिवीजन, मेन जो फार्मूले हैं, जो पावर के 10 फार्मूले हमने लिखाया है, ये फार्मूला सारे बच्चों के जबान पे होना चाहिए, यहां से लेके यहां से स्टार्ट हुआ है, 3 फार्मूले 4 फार्मूले 5 फार्मूला 6 फार्मूला 7 8 और ये 9, ये टोटल 9 फार्मूले सारे बच्चों के एकदम जबान पे होना चाहिए। आप बेटा ट्यूजडे को मैं सबसे सुनूंगा, ध्यान रखना ट्यूजडे को बेटा मेरा 10 मिनट का ओरल क्लास होगा, यूट्यूब पे नहीं, जब हम ऐप पे क्लास लेंगे तो वहां पे बेटा हमारा ओरल होगा 10 मिनट का, जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो बेटा वेडनेसडे को हमारा पूरा ओरल होगा, डायमेंशन से लेके और बेटा वर्क पावर एनर्जी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, वेडनेसडे को आप रेडी रहें, सारे फार्मूले हमको बताना है, उस दिन हम सडनली चारों पांचों चैप्टर का जो लेक्चर हुआ है कहीं से क्वेश्चन ले सकते हैं, आपको बताना होगा बेटा। दूसरा कल हम लोग वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल सेशन नहीं करेंगे, कल बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास है, 10 या 10:30 से हमारा क्लास होगा,
वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, नीट में आए हुए क्वेश्चन हम लेना नहीं चाहते हैं, सब आपके जबान पे है, सब इसी फार्मूले पे बेटा। आज ही खोल के बुक को, जो नए बच्चे हैं वो सब आज कर लेंगे बेटा, जो फंसेगा उसको पूछने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे बेटा हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे। रोटेशन आप लोग एक बार ऑलरेडी पहले से पूरा पढ़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन कराएंगे और फार्मूले का सिस्टम दिखाएंगे फटाफट, जिससे आपके दिमाग में एक बार फिर आ जाए बेटा। तो कल के लिए आप लोग रेडी रहें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेडनेसडे को आप बेटा ओरल टेस्ट के लिए आप रेडी रहें। पूरे फिजिक्स का ओरल टेस्ट है, 4-5 चैप्टर नहीं, क्योंकि संडे को बच्चों, संडे को आपका टेस्ट है, फुल टेस्ट है कमिंग संडे को। तो आप पूरी तरीके से रेडी रहें बेटा, पूरी तरीके से रेडी रहें कि वेडनेसडे को पूरे फिजिक्स का फार्मूला आपको याद करना होगा, मैं आपसे ऐप पे पूछूंगा बेटा, ठीक है ना। बाय बच्चों, कल हम लोग मिलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बच्चों, ठीक है। हाँ, कोलिजन भी रिवाइज करा देंगे बेटा, सब करा देंगे कोलिजन। और सभी बच्चे ध्यान से सुने, कोलिजन का चैप्टर और सर्कुलर मोशन का, बैंकिंग का केस, ये मैं ऐप पे करा दूंगा जस्ट कमिंग वीक पे बेटा, ऐप पे कराऊंगा, ये यूट्यूब पे नहीं होगा, ऐप पे होगा बेटा। यूट्यूब का शेड्यूल फिक्स है, उसमें हम लोग कोई दुनियादारी नहीं करेंगे। ये दोनों चैप्टर जो है कोलिजन है, और ये हमारा बेटा जो बना हुआ है सर्कुलर मोशन का, ये हम लोग किस पे रिवीजन करेंगे, ऐप पे करेंगे बेटा, और जल्दी कर लेंगे। 2-3 चैप्टर जो छोटे छोटे हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाएं, बस हम लोग ऐप पे कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके बाय बच्चों। हाँ, कल कोई टेस्ट नहीं है वेडनेसडे को, कल नहीं बेटा, कमिंग संडे। एक तो कल है, इसके बाद जो संडे है उसमें है बेटा, 8 मई को आपका फुल टेस्ट है और 4 मई को आपका पार्ट टेस्ट है। पार्ट टेस्ट में सारे बच्चों का कंफर्म होगा, रोटेशन आ रहा है वेडनेसडे को, वेडनेसडे के टेस्ट में रोटेशन आ रहा है, ग्रेविटेशन आ रहा है, सरफेस टेंशन आ रहा है, इलास्टिसिटी आ रहा है, विस्कोसिटी आ रहा है बेटा, और थर्मल प्रॉपर्टी आ रहा है यानी हीट ट्रांसफर आ रहा है, और कैलोरी मेट्री आ रहा है। तो एकदम क्लियर करें बेटा, आपको शेड्यूल मिल गया होगा, वेडनेसडे को सब कुछ आ रहा है बेटा, आप रेडी रखें। ओके बाय बच्चों, कल हम लोग मिलते हैं ऐप पे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा, ठीक है ना। ओके हाँ, बाय बच्चों।